तोड़ ली। वो एक तैयार हो गई तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था और वो जो बैल बड़ी जोर जोर से विष्टा पुत्र को विसर्जन करते हुए रो रहा था। परीक्षित महाराज ने पूछा, ये गैया को, गैया तुम कौन हो, क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो? बोले मैं पृथ्वी हूं। बोले रो रही क्यों? बोले कृष्ण चले गए संसार से, अभी ये कलयुग आएगा, लोग कलयुग में बड़े पाप कर्म करेंगे और ये पाप को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। बैल को पूछा, भैया तुम कौन हो, तुम क्यों दुखी और ये क्यों तुम्हारी एक प्यार को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हो, बताओ तेरी दुख का क्या कारण है? ध्यान देकर सुनो। वो बैल कहता है, मैं किसी को ऊपर में दोष लगाना नहीं चाहता, क्योंकि जीव जैसे कर्म करता है वो कर्म अनुरूप जीव फल भोग करता है, मैं किसको दोष लगाना नहीं चाहता हूँ। वो समझ गए ये धर्म है। देखो जो धर्म है ना, वो कभी किसकी चुगली नहीं करेगा और किसको पर दोष भी नहीं देगा, इसलिए कभी भी किसकी चुगली नहीं करनी चाहिए। आपको छोटी सी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा मांगने आया। जब भिक्षा मांग रहा था, राजा ने बड़े क्रोधित होकर के बोले, काम करके नहीं खा पाते हो, भीख मांग रहे हो। उसको झोली में घोड़े का जो लीड है बिष्टा उसको दे दिया, बोले ले। अभी वो संत लेकर के चले गए। एक दिन राजा भ्रमण करते करते वो संत जहां रहते थे वहीं पर पहुंचे, देखा वहां पर पर्वत जैसे एकदम घोड़े का लीड थी, पर्वत आकार में। बोले भैया इतने घोड़े का लीड कहाँ से आ गया? उसने गया देखा, वो जो साधु था उसकी घर में भिक्षा मांगने आया था उसको आश्रय पास में। बोले बाबा ये घोड़े का लीड कैसे हो गई? बोले महाराज एक बार मैं आपका घर में भिक्षा मांगने गया था, याद है? बोले हाँ। बोले बताओ आपने मेरे को क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना? बोले हाँ। बोले देखो संतों को कोई भी चीज दो ना, वो कभी घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी। संतों को जो दोगे बढ़ेगा ना, वो तो भगवान की सेवा में लगाएगा, अपना तो भोग करेगा नहीं, और ठाकुर को सेवा में जो भोग लगाओगे वो तो बढ़ेगा, वो तो घटेगी नहीं। बोले महाराज एक दिन ये घोड़े का लीड बढ़ते बढ़ते इतना बन जाएगा, तेरे देश में घोड़े का लीड के सिवाय कुछ रह ही नहीं जाएगा। राजा तो भाई बाप, उसको तो डर गया। बोले अभी क्या होगा, मेरी गलती हो गई, संत के चरण में गिर पड़े। बोले अभी बताओ, अभी मेरी क्या उपाय है? बोले देख, अगर तेरी कोई चुगली करे ना तो तुम्हारी जितने पाप कर्म सब खत्म हो जाएगा और जो चुगली करेगा उसको ऊपर चली जाएगी। बोले बताओ क्या करूं? बोले तुम्हारी घर में एक बेटी है ना शादी के लायक। बोले हाँ। बोले तुम एक काम करियो, तुम्हारी घर के सामने जो बगीचा है सुंदर, उसको वहां पर एक कुटिया बनाओ और अपना बेटी को लेकर के अकेले वहां पर रहो। अभी तुम्हारे राज्य में चुगली करेंगे, देखो ये कैसे दुष्ट राजा अपना जवानी बेटी को लेकर के अकेला कैसे ये बगीचा में रह रहा है। दुनिया तुम्हारी चुगली करेगा, चुगली करेगा तो जो चुगली करेगा तुम्हारी जितने पाप है ना उसको ऊपर जली जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगी। राजा तो एकदम बेइज्जत कर लिया तो राज्य में घर घर में चुगली। सुने हो वो दुष्ट राजा क्या कर रहा है? अपना जवानी बेटी को लेकर के अकेला बाग में रह रहा है, घर घर में चर्चा, घर घर में चर्चा। एक दिन राजा फिर संतों का आश्रम में आए, देखा वो जो घोड़े का लीड था ना पूरा खत्म, लेकिन एक टोकरी वहां पर अभी भी है। राजा ने संत से फिर पूछा, बोले ये सारे तो खत्म, फिर एक टोकरी बाकी कैसे? बोले देख राजा, तेरे देश में तो सबके सब तुम्हारी चुगली की, लेकिन अभी भी एक बूढ़ी माता जी कभी भी किसकी चुगली नहीं करती, किसी की निंदा नहीं करती है, दिन भर ये माला लेकर के बोले हरे कृष्ण बोले, हाथ उठा कर बोलो
बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बार जोर करके बोला बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो राजा देखा माता जी माला लेकर के ना ठाकुर का नाम जप कर रही है। इतने में ही राजा अपना वेश बदला करके आया था। वो सोच रहा था ये माता जी से अगर मेरी थोड़ी चुगली करा दू ना फिर तो इसकी हिस्सा की जो लीड वो खत्म हो जाएगा। राजा देखा माता जी बैठ करके नाम जप कर रही थी। राजा ने कहा माता जी तुमने सुना है? बोले क्या? बोले राजा क्या दुष्कर्म कर रहा है? इतना बोलते ही माता बूढ़ी माता जी को तो बड़ा क्रोध आया। बोले ए दुष्ट राजा, तू वही राजा ना जब संत तेरे घर में आए थे तुमने संतों को किया दिया था, घोड़े का लीड दिया था ना। देख मैं कभी किसकी चुगली नहीं करती हूँ, मैं कभी किसकी चुगली नहीं करती हूँ, दिन भर प्रभु का माला जप करती हूँ। वो जो एक टोकरी लीड बच गया ना तेरे को खाना पड़ेगा, तभी खत्म होगी। हैं? मैं कैसे भी किसी की चुगली नहीं करती हूँ। फिर राजा को एक टोकरी जो लीड बच गई थी घोड़े का, राजा को खाना पड़ा। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब है कभी किसकी चुगली मत करो। चुगली नहीं करके समय है ना ज्यादा, माला लो और बैठो और भगवान की माला जप करो, ठाकुर जी की नाम जप करो, जिससे शांति और जीवन में सुख मिलेगी। ठीक है ना? तो माला जप करोगे तो कौन कौन करेगा माला बताओ? कौन कौन माला जप करेगा? हाँ, सबके सब ठाकुर का नाम जप करना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? श्री परीक्षित महाराज कली को चार जगह पर स्थान दिया। मतलब कली में अगर चार नियम को पालन करें और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप कर ले, इससे ही हमारी उद्धार हो जाएगा। पहला नंबर जुआ मत खेलो, दूसरा नंबर कोई नस्ली वस्तु मत लो, तीसरा नंबर में अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से नहीं मिलनी चाहिए, चौथे नंबर में जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा मतलब है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब नहीं खानी चाहिए और भगवान की भजन करनी चाहिए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज भ्रमण करते करते जंगल में पहुंचे, देखा उन्होंने एक संत बैठ करके भजन कर रहे हैं। तो राजा को बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, उन्होंने उनसे पानी मांगे और राजा तो भजन में बैठे हुए थे संत, तब उनकी ध्यान टूटी नहीं। जब उन्होंने पानी नहीं दिए उनकी गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल। इतने में ऋषि का बच्चे को जो पता चला उसने कौशों की नदी का पानी उठाया और उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प डाला मैं अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। अभी राजा को ये बात जब पता चला, अगर आपको कोई बोले भैया 7 दिन में मरने वाले हो, 7 दिन में मरने वाले हो, बताओ क्या होगा तुम्हारी? हम तो आधा ही मर जाएंगे, 7 दिन में मर जाएंगे, राजपाट पत्नी सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन राजा दुखी नहीं हुए, सुखी हुए। बोले क्यों? अब देखना मरने से 1 मिनट पहले किसको पता नहीं चलता मैं मरने वाला हूँ, लेकिन देखो ठाकुर जी का कितना कृपा है, मेरे को 7 दिन पहले पता चल गया। फिर मैं क्या करूँगा? भगवान की भजन करते करते कथा सुनते सुनते जीवन बिता दूंगा।
अगर हमें पता चले ना सात दिन को बाद में मरोगे फिर क्या करोगे बताओ तो? बोले जितने बढ़िया बढ़िया खाओ, हाँ बढ़िया से घूमो खाओ ऐस करो और मर जाओ, मैस कर मर जाओ। इसलिए हमारी देश में एक समय अवधि याद होगा किस समय एक संवाद आया था, कोई एक ग्रह गिरने वाला सब लोग मरने वाले। हमारे गांव में जितना मुर्गा और जितने सब के सब बकरी था सब खत्म कर दिए, जब मरी जाएगी खा करके मर जा। हाँ लेकिन नहीं, परीक्षित महाराज ने देखा ये जीवन दुर्लभ जीवन भगवान ने दिया है। 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मानव शरीर मिला। ठाकुर जी ये जन्म बार बार ठाकुर जी नहीं देते हैं, ये जन्म का सार्थकता कब है? जब भगवान की भजन करते करते जीवन बीत जाए, ठाकुर जी की भक्ति करते करते जीवन बीत जाए। इसलिए राजा ने अपना बेटे को सिंहासन में बैठा दिया और उन्होंने गंगा किनारा में आश्रय लिया। गंगा भगवान की चरणामृत, इसलिए गंगा को आश्रय नहीं मानो ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। उसी समय कोई टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन इस संतों की पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था। पता चला श्री परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे और वहां पर 7 दिन ये भागवत कथा होगी। वहां पर 88,000 श्लोक आए। राजा खुश हो गया, बोले भैया जीवन में एक संत दर्शन कितने दुर्लभ है, लेकिन देखो यहाँ पर कितने सारे संत हैं। आज तो हमारी भाग्य जग गया है, आज हमारी भाग्य जग गया, आज इतने संतों का दर्शन है। और जीवन में जब संत दर्शन मिल जाए ना, फिर क्या समझो वासुधार हो गया, हमारी बेड़ा पार हो गई संत दर्शन से। इसलिए श्री हनुमान जी को साथ में जब श्री विभीषण को साक्षात्कार हुई, अब विभीषण को पता चला क्या हनुमान जी कौन है, ये भगवान राम के सबसे प्यारे भक्त हैं। इसलिए विभीषण क्या कह रहा है, आज मोए भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता। आज लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की बड़ी कृपा है, आज हनुमान जैसे संतों का दर्शन हो गया। और देर नहीं, ठाकुर को पाने में कोई देर नहीं। देखो ध्यान देकर सुना, श्री विभीषण को घर को सामने लिखा हुआ था श्री राम, क्या लिखा हुआ था श्री राम। किसने जा करके रावण को चुगली कर दिया, बोले तू तो राम को शत्रु मानते हो, लेकिन तेरे घर तो राम के सबसे बड़े भक्त तेरे घर में। बोले कौन, बोले तेरे सगे भैया। बोले पता कैसे चला, बोले जा करके देख उसको घर में क्या लिखा हुआ। रावण तो भागते भागते आया और देखा लिखा हुआ श्री राम। बोले ए विभीषण, बोले क्या भैया, बोले मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया, बोले कहां पर, बोले क्या लिखा श्री राम। देखो भक्ति करना तो ध्यान देकर सुन माता है, अगर भक्ति करना तो कैसे करनी चाहिए ये विभीषण से सीखो, ये विभीषण से सीख लो। विभीषण ने कहा है श्री राम, बोले क्या लिखा हुआ श्री राम। बोले मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूं ना, इसलिए भाभी भैया का नाम लिखा। बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या है, बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर क्या, बोले रा। बोले आपका पत्नी का नाम क्या, बोले मंदोदरी। बोले पहला अक्षर क्या, बोले म। बोले श्री राम, श्री रावण और मंदोदरी। बस खुश हो गया रावण, खुश हो गया। देखो ये जगत बड़ा विचित्र जगत है, अगर कोई गलत रास्ता पर जाए ना, गंदी रास्ता पर जाए, शराब पिए सिगरेट पिए गंजा फूके जुआ खेलना, दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, गले में कंठी तिलक लगा लो, बोली ये कौन सा बीमारी आ गया, इसे गले में कंठी तिलक तुमने लगा दी। अगर कोई गंदा काम करेगा ना, उसको देखना कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन थोड़ा भलो भगवान की माला जप करो, ठाकुर जी की तक तिलक लगाओ, गले में कंठी लगाओ, बोले देखो ये तो बड़ा भक्तानी बन रही है, बड़े भक्तानी बन रही है। अरे भक्त नहीं बने क्या चोर बनेंगे, बोले ना बड़े भक्तानी बन रही है। अरे भक्त नहीं बन गए क्या चोर बनेंगे, बनेंगे तो भक्त ही तो बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए भले ही दुनिया में कोई कुछ बोले, लेकिन अपना रंग नहीं छोड़नी चाहिए, अपना रंग नहीं छोड़नी चाहिए।
गले में कंठी तिलक भगवान की माला जप करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण क्या। मैं अकेला बोलता हूँ, आप कोई नहीं बोलते, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री परीक्षित महाराज बोले, आज मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, आज तो मेरे ऊपर में ठाकुर जी का कृपा है, नहीं तो इतने दर्शन संतों का थोड़ी दर्शन मिलता है, आज तो मेरा भाग्य जग गया है। तब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, भले हे ऋषियों आप कृपा करके बताए, एक दिन सबको मरना है, आज हो 100 साल के बाद में सबको मरना ही है, इसलिए ऐसे जो मरणशीली व्यक्ति है इसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करनी चाहिए। ए बच्चों, ये सब बच्चे से बात नहीं करनी, जो बात करके ना कान पकड़ के पीछे बैठे रहे, मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, मुंह में हाथ लग रहे बैठो सबके सब। इसलिए कहते बताओ, लेकिन वहां पर ऐसे कोई ऋषि थे नहीं, बोले नासो मुनिर जस मतब न बेटा, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका मत अलग नहीं था। किसने कहा भैया विघ्न विनाश में गणेश जी को पूजा करो, किसने कहा उसका मैया क्या चली गई, नवरात्रि करो ना नवदुर्गा, बोले इसको पास में 7 दिन, आप तो नवरात्रि की बात कर रहे हो, बोले किसने कहा मृत्युंजय की पाठ करो, बोले वो भी 49 दिन लगता है। वहां पर तो लड़ने लग गए, यद्यपि श्री परीक्षित महाराज को पता था ये जितने शास्त्र वेद पुराण को अगर मंथन करेंगे ना उसमें एक ही चीज निकलेगा, भगवान की कथा सुना, भगवान के नाम जप करो और भगवान की स्मरण करो, ये सारे शास्त्र का निचोड़, और उसमें अगर निचोड़ निकलेगा ना ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए, यही सारे ग्रंथ का निचोड़ है। लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाई, भैया मेरे पास में कुल 7 ही दिन है और ये तो शास्त्रार्थ में लग पड़े, अगर ये मीमा समय पहुंचते पहुंचते अगर लेट हो गया, एक एक पल तो मेरी बीतती जा रही है। तो उन्होंने ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो गए, बोले हे प्रभु आप मुझे मातृ गर्भ में दर्शन दिया था, मेरी मन में एक इच्छा केवल तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे 7 दिन बीत जाए, आप कृपा करके ये व्यवस्था कर दो। देखो अगर सच दिन से अगर भगवान को आप पुकार, हृदय तुम्हारी निष्कपट होनी चाहिए, हृदय सच्चा हृदय होनी चाहिए तुम्हारी, अगर सच्चा हृदय से पुकारोगे ना ठाकुर आवाज सुनते हैं। अभी भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की, बोले कितने वयस के, बोले द्वष्ट वर्षम, 16 साल के, कभी नाच रहे हैं कभी गा रहे हैं कभी हंस रहे हैं कभी जमीन पर लौट पर उठा रहे हैं। जब श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचे, श्री परीक्षित सब उन्होंने उनको पिताजी की पिताजी की पिताजी थे सबको उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए व्यास गद्दी पर बैठ गए। फिर तो परीक्षित महाराज प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके बताओ, जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने के बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में सब कुछ मिल गया। अब देखना भले ही जितने बड़े से बड़े पैसा वाला क्यों नहीं हो जाए, अब उसको पूछो भैया अभी तो खुश हो गया, तुम्हारे पास में इतने पैसा है अभी तुम्हारे पेट भर गई, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए राजा कहे महाराज सुखी,
महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख इंद्र को भारी विष्णु को भारी। किंतु तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख विकारी, हरि भजन बिना सब दुख विकारी है। इसलिए जगत में जिसने पैसा पाने पर भी देखना किसको तृप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते, बोले कमाई करो, क्या करो कमाई, कमाई मतलब क्या, कम आई, कमाई ना कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए इनका प्रश्न है जगत में से कौन सा वस्तु है जिसको पाने पर जीव को ऐसे लगे मेरा दिल भर गया और मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, ऐसे कोई चीज है? अब ये कृपा करके बताओ जगत में क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, अब कृपा करके बताओ। और आत्मा को परम शांति कैसे मिले? जब उन्होंने पूछे ये प्रश्न सुनकर के श्री परीक्षित महाराज प्रसन्न, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, बोले भैया तुमने जो प्रश्न किया है, बोले बरियान ऐसे प्रश्न नृपम, बोले तुमने जो प्रश्न किया है ना बहुत बढ़िया प्रश्न किया, ये प्रश्न को आत्मविद सन्मत पुंसा, जो व्यक्ति आत्मा में रमण करते हैं वे भी तुम्हारी प्रश्न को वो भी आदर करेंगे। तो उन्होंने समझाए, देखो आप लोग भी समझो, बोले ये जो मानव शरीर भगवान हमें दिया है बड़े भाग्य से जीवन दिया है, ये मानव शरीर बारंबार नहीं मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, कहते ये जो मानव शरीर दुर्लभ नहीं, ये सुर दुर्लभ, ये दुर्लभ नहीं, कहते देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर पाना भारत में, फिर हिंदू घर में जन्म लेना, फिर गुजर समाज में जन्म लेना तो बड़े भाग्य से होता, बड़े भाग्य से इनकी ये मानव। ओए राम, अरे दूधी कहाँ चली गई, नाक तुमने भगाया, चल दी चल दो जगह थोड़ा दूधी नहीं जा, क्या जनरेटर है क्या? नहीं है जनरेटर, नहीं है फिर कथा के सुनोगे? अरे दो दिन हो गया नहीं जा रहा था इसलिए मैं लाया नहीं आज, जनरेटर नहीं है, जनरेटर नहीं लगाया, बोला था उसको पता नहीं भेजा ही, अब तो क्यों भेजा नहीं, बोला तो था। हरे कृष्ण, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol Aawaz aa rahi Hare 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 Rama करता था और वो अपना जीवन को पालन करता था।
उधर से एक दिन कोई एक राजा जा रहा था, उसने इसकी दुर्दशा को देखा, बोले क्या करते हो, बोले यही काम करता हूं, बोले देख आज से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे दुख नहीं रहेगा। बोले कैसे, बोले तेरे को ये एक चंदन का बाग देता हूं, चंदन की बाग देता हूं, आज से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएगा। राजा फिर एक साल बाद से उधर से गुजर रहा था, देखा फिर लकड़हार वही कर रहा था, क्या कर रहा था, पहले जो कर रहा था वही कर रहा था। राजा ने पूछा अभी भी तू गरीब है, बोला हाँ, बोले क्या कर रहे हो, बोला मेरे को जो एक चंदन का लकड़ी की बाग दिया था ना, मैंने पूरा उसको काट करके और जला करके कोयला बना करके बेच दिया। बोले नालायक, तेरे को पता है एक किलो वृंदावन में अभी चंदन यात्रा आ रहे हैं, हम पूछने के लिए गए थे भैया एक किलो चंदन का लकड़ी का कीमत क्या, बोले 20,000 रुपया, एक किलो चंदन लकड़ी की कीमत 20,000 रुपया, बताओ तो एक पेड़ में कितने चंदन होगी, कितने, एक एक पेड़ समझो करोड़ों करोड़ रुपया की एक एक पेड़ था, और ऐसे था पूरा वो बाग चंदन की ही बाग था, कि 3,000 वृक्ष था, लेकिन उसने क्या किया सारे पेड़ को काट करके और उन्होंने क्या किया कोयला बनाया और उन्होंने मार्केट में बेच दिया, कोयला बना करके मार्केट में बेच दिया। मेरे तरफ भी देखो, उधर मत देखो, हाँ देख लो उधर अच्छी तरह से देख लो, देखो इधर दोनों बच्चों को ले आओ, इधर देखो इन्होंने दोनों बच्चों को देखो सामने ले आओ, देखो इनकी गला में देखो माला की झोली, देखो माता ही सब सीखकर सीखो, केवल देखना नहीं, देखो उनने दोनों बच्चों को तिलक लगाया, दोनों बच्चों को तिलक लगाया, देखो उनको हाथ में देखो माला की झोली, दोनों बच्चों को देखो चोटी है। देखो हम नाम से केवल हिंदू है लेकिन हमारी जो आचरण है ना सब मुसलमान है, हमारा आचरण क्या है सब मुसलमान, कोई हिंदू का लक्षण नहीं, हिंदू का लक्षण चोटी रहेगी, गले में माला रहेगी, तिलक लगाएगी, देखो छोटे छोटे बच्चे छोटी है ना, दिख रहे हो, कहते वंश में अगर ऐसे एक बेटा जन्म ले लिया ना, कहते उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी, 21, देखो उसको माँ को देखो तिलक लगाएगी, गले में झोली, उसको पिताजी आए थे ना, पहला गुरु कौन है पिता माता, पहला गुरु कौन है हाँ, खुद गले में कंटी नहीं, फालतू कुत्ते अगर घूम रहे हैं, कोई गले में कंटी में तिलक नहीं, तो बच्चों को पर संस्कार कहां से बढ़ेगी, संस्कार बढ़ेगी तो पिता माता से संस्कार बढ़ेगी ना, ठीक है ना, इसलिए सब सब गले में कंठी माला तिलक लगाओ, ठीक है, और भगवान की भजन करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा चंदन की बगीचा को पूरा काट करके कोयला दाम में बेच दिया। मतलब क्या है, बोले मतलब एक किलो चंदन लकड़ी की कीमत 20,000 तब भी आपको प्योर नहीं मिलेगी, लेकिन एक एक वृक्ष करोड़ों करोड़ रुपया, लेकिन उसने पूरा जंगल को काट कर खत्म कर दिया। हाँ अच्छे तरह समझो, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, हम भी ऐसे, ये मानव शरीर नहीं, ये चंदन की बाग, क्या है चंदन की बाग, लेकिन हमने क्या किया पूरा ये चंदन बाग को काट करके जला करके कोयला दाम में बेच दिया। बोले मतलब क्या है, बोले मतलब ये है, ये कुत्ते गधे सुअर जो काम कर रहे हैं ना, हम भी यही कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। एक सुअर को देखो, एक एक दर्जन से कम कम बच्चा जन्म नहीं देता, एक साथ में 12-15 बच्चा जन्म देता है, और हमने 2-3 बच्चा जन्म दिया, कितना जन्म दे दिया। खाने के लिए पहले हम माइनर स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, फिर कोई डिग्री, फिर 10-10 घंटा काम करते पैसा कमाते, बताओ ये कुत्ते सुअर कहीं स्कूल को ले जा रहे, निकल खाना तो अपने आप मिल रहा है, और सोने के लिए हमारे लिए एयर कंडीशनर रूम चाहिए, डल्लब गद्दी चाहिए, अगर कोई टेंशन घर का हो ना, गोली खाने पर भी हमें एयर कंडीशनर रूम में नींद नहीं आती होगी, सुअर के देखो कुत्ते के देखो आराम से सो रहा, नो टेंशन, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं उनकी। आपने कभी सुना कुत्ता ने कुछ सुअर ने सुसाइड करते हुए सुना, कभी सुने हो ये सुसाइड कभी करते हैं, लेकिन ये इंसान इतने डिप्रेशन में आता है यही सुसाइड करते हैं,
इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी इस चीज को समझो, सुखदेव गोस्वामी वो समझा रहे हैं, अगर ये मानव शरीर पाकर के भजन नहीं किया तो समझो मानो ये जो चंदन की बाग को हम काट करके कोयला दाम में बेच दिया। मतलब जिस शरीर पाकर के तुम भजन कर सकते थे, भगवान के नाम कर सकते हो, तुमने जीवन को क्या बिताया? वही खाए पिए दो चार बच्चे जन्म देकर बड़े करके मर गए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते त्रुणाम, त्रुणाम मतलब क्या है? अगर किसको भजन की बात बोलो ना, बोले अभी क्या भजन करेंगे, क्या अभी हम मर रहे क्या, हम क्या मर रहे करेंगे जब बूढ़े, जब किसी काम का नहीं रह जाएंगे, एक दो मला कर लेंगे, अभी से भजन क्या करेंगे? बोले नहीं भैया, त्रुणम, त्रुणम मतलब होता है कल करो सो आज करो, और आज करो सो आप, बोले पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब, ये जीवन का कोई निश्वास नहीं, विश्वास हो निश्वास में कोई विश्वास नहीं, कब ये जीवन बंद हो जाएगा। श्वास पर गांव में देख रहे हो ना, बैठते बैठते गया प्राण गया, कुछ नहीं, बैठते बैठते शरीर चला गया, लेकिन हमसे छोटे उम्र के चले गए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे वो गया गया, हम थोड़ी मरेंगे, हम तो 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहेंगे, हम नहीं मरेंगे, वो मर गया उसमें क्या हो गया, समझ रहे हो? इसलिए क्या करनी चाहिए, भक्ति कद त्रुणम, जितने जल्दी हो उतना भजन करो। है देखो, ध्यान देख रहे सुनो, जिस समय भगवान राम ने रावण को मारे, अभी रावण पड़ा हुआ है, भगवान राम लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण ये जो रावण है ना, ये बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी है, जाओ उसको पास से कुछ ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण गया, बोले भैया ने आपको पास में भेजा कुछ ज्ञान देने के लिए, हमें कुछ ज्ञान प्रदान करो। रावण कहता है देख लक्ष्मण, मेरे से दो गलती हो गई, जैसे तुम्हारे जीवन में ये दो गलती नहीं करना। बोले दो गलती क्या हो गई? पहला गलती मेरी ये हुई, मैं सोच रहा था ये जितने नमकीन जो समुद्र है ना, लवण समुद्र, इसको मीठा बना दो। देखना पृथ्वी में तीन भाग तो पानी और एक भाग स्थल, एक भाग मिट्टी, लेकिन तीन भाग तो समुद्र है, लेकिन वो किसकी प्यास नहीं बुझा सकता है, क्यों? समुद्र का पानी नमकीन है, इसका पानी नमकीन, किसकी प्यास नहीं बुझा सकता है। इसलिए मैं सोच रहा था इसको मैं मीठा बना दूं, मीठा बना देता ना, सारा दुनिया जो पानी पीता बोलता भैया पानी को मीठा किसने बनाया? बोले रावण ने, अपने आप में स्वर्ग चले जाता। मैंने बोला कर लेंगे, कोई चिंता क्यों, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। दूसरे गलती हो गई, सारा दुनिया स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैंने सोच रहा था स्वर्ग के लिए मैं सीढ़ी बना दूं, अगर सीढ़ी बना देता दुनिया स्वर्ग चले जाते। बोले सोचते भैया सीढ़ी किसने बनाया? बोले रावण ने, सबका आशीर्वाद मिलता तो मैं अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता, अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता, मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, मैं कर सकता था। बोले करूंगा उसमें देर ये क्यों, अभी जरूरत क्या, लेकिन करते करते मेरी प्राण गई और खत्म। देख लक्ष्मण, कोई अच्छा काम हो ना, कोई अच्छे काम हो उसके लिए देर नहीं करना, उसके लिए देर नहीं करना, जल्दी से जल्दी करना, इसलिए कल करो सो आज करो और आज करो सो अब। लेकिन हमने क्या कर दिया ना, आज करो सो कल करो और कल करो सो परसों, अरे जल्दी जल्दी क्या करते हो, पड़ा रहा है परसों, हमने उल्टा कर दिया। लेकिन कहते नहीं, भगवान की भक्ति जितने जल्दी से जल्दी हो क्या करो, भगवान की भजन करना शुरू कर दो, माला जप करना शुरू करो, भगवान की भोग लगाओ, भगवान की सेवा करो, ठाकुर को पूजा करो, और कलयुग में सबसे बड़ा है भगवान की नाम जप करना। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण, जोर कर बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप बोलो, मैं सुनूंगा जोर से, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री सुखदेव बोले परीक्षित, कोई चिंता मत करो, तो ये मत समझो तुम्हारे पास में 7 दिन है
और इतने कम दिन में मैं क्या करूंगा, नहीं, एक राजा हुए जिनका नाम खटवांग राजा। क्या नाम था? खटवांग राजा था। एक समय देवता दैत्य में लड़ाई हुई, देवता नहीं ये खटवांग राजा था भारत में, उन्होंने उनका अपना सेनापति पद में नियुक्त किया, बड़ा पराक्रमी, उन्होंने देवता का सेनापति पद को नियुक्त किए और दैत्यों को साथ में लड़ाई की, तो ये राजा इतने पराक्रमी थे सारे दैत्यों को उन्होंने हरा दिया। अभी इनके ऊपर में ये जितने 33 करोड़ देवता थे ना खुश हो गए, बोले बेटा अगर तू नहीं होता तो हम फेल हो जाते, बताओ तेरे को क्या चाहिए। देखो अच्छे तरह से सुना, क्या चाहिए तुम्हें? बोले एक काम कर सकते हो, मेरे को मेरा परमायु थोड़ा बढ़ा सकते हो। बोले भैया ये काम तो हम नहीं कर सकते। बोले नहीं तो संसार से मुक्ति दिला सकते हो। बोले भैया ये काम हम नहीं कर सकते। बोले फिर ये काम को कौन कर सकता है? बोले एक बांके बिहारी, कृष्ण ही कर सकता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद। मुकुंद मतलब क्या? मुक्ति ददाति जस एव मुकुंद, जो संसार से हमें मुक्ति प्रदान करे। बोले भैया अगर मुक्ति नहीं दे सकते हो, मेरी परमाई को बढ़ा नहीं सकते हो, फिर तुम लोगों को बर लेकर करूंगा क्या? बोले बताओ अभी क्या करना चाहिए? बोले मुकुंद गोविंद के शरण में जाओ। बोले मेरे को ऐसे एक तेज गति विमान दो, मैं जल्दी से जल्दी मैं मर्त्य जगत में जाऊं और जल्दी जल्दी प्रभु के चरण में मन लगाकर मुक्ति मिल जाए। इसलिए उन्हें एक मुहूर्त जानते हो कहते 48 मिनट, कितना 48 मिनट में उन्होंने जल्दी से जल्दी स्वर्ग से मर्त्य जगत में आए और यहां पर आकर के अपना मन को विषय से हटा करके एक मन से ठाकुर जी के चरण की चिंतन की और उन्होंने भगवत गति को प्राप्त कर लिया, भगवत गति को प्राप्त कर लिया। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास में 7-7 दिन बहुत दिन है, केवल यहां पर बैठो और भगवान की कथा सुनो। पहले मन को कंट्रोल करो, पहले आसन को सिद्धि करो, एक जगह में बैठ करके ये मन को ये विषय से हटा करके ठाकुर जी के चरण में लगाओ। पहले मन को कैसे लगाओगे? मन तो बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, इसलिए पहले ये चंचल मन को बोले सिया राम मय सब जग जानी। अगर कोई वृक्ष देखते हो ना समझो भगवान की रोमावली, कोई नदी देखते हो समझो भगवान की नस है, चंद्र सूर्य देखते हो समझो ये भगवान की दो आंख है, ये संपूर्ण जो 14 ब्रह्मांड है ये भगवान का स्वरूप है। पहले ये मन को ये दुनिया की कृष्ण का रूप भगवान के स्वरूप मानो, मान करके धीरे धीरे ये मन को कंट्रोल करो। कंट्रोल करके फिर क्या करो? फिर श्री जैसे तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, जैसे श्री ठाकुर जी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बंसुरी बजा रहे हैं, 3 जगह से ठाकुर जी टेढ़े हैं, गले में सुंदर माला पहने हुए हैं, सर के ऊपर मयूर पंख है, गले में त्रिबली पड़ा हुआ है, प्यार में बड़े सुंदर नुपुर ठाकुर जी पहने हैं। पहले धीरे 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 ये मन को क्या करो? ठाकुर जी की भजन में, ठाकुर जी का चिंतन में लगा दो, ठाकुर जी की चिंतन में लगा दो। अभी श्री परीक्षित महाराज सोच रहे हैं भैया ये सुखदेव गोस्वामी तो केवल भजन भजन की बात कर रहे हैं, ये तो कोई भोजन की बात नहीं करते हैं, कितना भूखे ना भजन, बोलो भूखे ना भजन हो गोपाला ले लो तेरी कंठी वाला, ये तो भजन भजन कोई भजन की बात नहीं करते हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी बोले देखो भजन के लिए चिंता मत करो, भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं जो अनन्य रूप में मेरे भजन करते हैं, बोले अनन्य चिंतयंत माम जे जनहा परिजुपासते, जो एक मन से केवल मेरे चिंतन करते हैं उसका सब कुछ दायित्व तो मैं लेता हूं, उसको घर में जो चीज नहीं होगी मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूं, जो चीज होगी उसको मैं स्वयं रखवाली करता हूं। इसलिए चिंता मत करो, भगवान की खूब डट करके भगवान की भजन करो। जब ठाकुर जी एक चिट्टी से लेकर के हाथी तक भी पालन करते हैं, अगर हम भक्ति करेंगे ठाकुर हम पालन नहीं करेंगे, जरूर ठाकुर जी हमारी पालन करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बात माता को बोल तो बात नहीं करे, दोनों माता अलग होकर बैठ जाए, हरे कृष्ण, बात मत कर, कथा सुनो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ अभी वर्णना कर रहे हैं
सुखदेव ध्यान देकर सुना, सुखदेव गोस्वामी कहते जैसे जैसे अगर हमें लक्ष्मी चाहिए फिर आप किसको पूजा करते हो? मां लक्ष्मी को। अगर विद्या चाहिए किसको पूजा करते हो? सरस्वती को। अगर रिद्धि सिद्धि चाहिए किसको पूजा करते हो? गणेश जी को, हैं? गणेश जी को। अगर किसको बल चाहिए फिर हनुमान की पूजा करता है, हैं? इसलिए देखना एक एक चीज ध्यान देकर सुनो, एक एक चीज को पाने के लिए हम अलग अलग देवता को पूजा करते हैं। तब परीक्षित महाराज बीच में एक प्रश्न किया, बोले सुखदेव गोस्वामी आपके पास में ऐसे कोई एक देवता है, एक देवता को पूजा करने पर सब मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, अच्छे भैया मिल जाए, अच्छे परिवार मिल जाए, विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, कहते ऐसे कोई भगवान है तुम्हारे पास में जो एक को भक्ति करे सब मिल जाए? तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हाँ ऐसे भी एक ठाकुर। बोले उसका नाम बोलो ना, इतने इतने क्यों, इसको पाने के लिए देवता को, उसको पाने के लिए देवता, इसको पाने के लिए। अरे एक देवता का नाम लो जिसको एक को पूजा करे सबको हो जाए, और एक को भक्ति करे तो सब रिद्धि सिद्धि वैभव सब मिल जाए। बताओ वो ठाकुर कौन है? बोले अकाम सर्व काम बाग मक्ष्य काम उदार धी तीप्रेण भक्ति जोगेना जजेत पुरुषम परम। बोले एक देवता अकाम, अकाम मतलब है अगर तुम्हें कुछ भी दुनिया की चीज नहीं चाहिए, बोले सर्व काम सब कुछ तुमको चाहिए संसार की, मोक्ष काम संसार से तुम्हें मुक्ति चाहिए, हैं? मुक्ति चाहिए। बोले किसको भजन करनी चाहिए? बोले जो लड्डू गोपाल है ना, देखो तुम्हारी घर में जो लड्डू गोपाल छोटो सो है, ये छोटो से नहीं बड़े छोटो, ये बड़े खोटो से है, उसको देखने में लगता है छोटो से है, ये बड़ी खोटे देवता है। इसलिए कहती इसी कन्या है ना, अगर कन्या को पूजा करोगे तो ऐसे कोई चीज नहीं हो जो दे नहीं सकता है, यही सब कुछ देने वाली यही है। और जगत में जितने देवता हैं अगर उनसे कोई चीज मांगो ना वो तुम्हें दे नहीं सकते हैं। अभी देखा ना खटवांग राजा ने सारे 33 करोड़ देवता को खुश कर दिए, लेकिन मुक्ति मांगे तो मुक्ति नहीं दे पाए। बोले परवाही बढ़ा दो तो नहीं दे पाए, किसने दिया? बोले यही गोपाल दिया। किसने दिया? भगवान कृष्ण दिए। ये ऐसे के देवता सब कुछ देने वाले यही, और कोई तुम्हें सब कुछ दे नहीं सकते, ठीक है ना? पूजा करना तो किसको? गोपाल जी को पूजा करो, कान्हा को पूजा करो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम लोग का आनंद नहीं आ रहे कुछ? आज कोई व्रत है तुम लोगों का? तो आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, अभी श्री सुखदेव गोस्वामी ये सृष्टि के प्रारंभ कर रहे हैं, ये दुनिया सृष्टि कैसे हुई। सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई, चारों तरफ में पानी पानी देखा, चारों तरफ में उन्होंने क्या देखा? पानी पानी देखा। कमल नाड में करोड़ों साल तक संधान किया, कोई था नहीं पाए, भैर ऊपर आया, उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुना त और प। बोले ब्रह्मा जी तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की भगवान ने उनको गोपाल मंत्र प्रदान किया। कौन सा मंत्र दिया? गोपाल मंत्र प्रदान किया। देखो इधर सुना, ये जो गोपाल मंत्र है इसी मंत्र से ही ब्रह्मा जी ये दुनिया को सृष्टि की, ये दुनिया को उन्होंने इसी मंत्र से उन्होंने सृष्टि किया दुनिया को। फिर उन्होंने मंत्र किसको दिया? फिर उन्होंने दिया श्री नारद जी को, फिर नारद, फिर व्यास को, व्यास श्री परीक्षित महाराज। इसलिए नियम है ये गोपाल मंत्र लेनी चाहिए। इसलिए आप लोग जो पहले माला लिए ना हरिनाम, जो तुलसी माला लिए हुए हो, इसलिए नियम है इसके बाद में फिर हमें गोपाल मंत्र लेनी चाहिए। क्यों? इसी मंत्र से भगवान के भोग लगता है, ठाकुर जी को इसी मंत्र से भोग लगती है, इसी मंत्र से ही भोग लगता है ठाकुर जी को। इसलिए उन्होंने गोपाल मंत्र से दुनिया को सृष्टि की। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुसन को सृष्टि की। बोले चतुसन जाओ ये दुनिया की सृष्टि करो, प्रभु का आदेश है। बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, ये संसार बड़ा दुखमय है,
संसार बड़ा दुखमय। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, मन लगा कर सुनो। ये संसार क्या है, मैंने जितनी कथा सुनाता हूँ सब याद करते कि नहीं ना, यहीं पर छोड़कर चली जाती है। देखो मैं चाहता हूँ, देखो जो गुरु है ना कभी वो शिष्य नहीं बनाता है, गुरु सभी को गुरु बनाता है। जो टीचर है ना वो किसको स्टूडेंट नहीं बनाता है, सबको टीचर बना देता है, सबको टीचर बना देता है। मैं चाहता हूँ मैं जितनी कथा आपको सुना रहा हूँ ये कथा को सब याद करना और अड़ोसी पड़ोसी में सबको बांटना, सबको ये कथा सबको सुनाना कथा, ठीक है ना। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय जंगल में कोई एक व्यक्ति जा रहा था, एक शेर ने उसको पीछा किया खाने के लिए। जो शेर ने पीछा की इतने उसने भगा अपना जान को बचाने के लिए। सोचा भैया जान को बचाऊं कैसे, किसी पेड़ में चढ़ जाऊं नहीं तो किसी कुएं में छलांग लगा दूं। इतने में देखा कि सूखा कुआं में छलांग लगाया। जब छलांग लगाया इतने में एक पीपल का टेन, उसमें पीपल की टेन आती, उसको पकड़ करके जब नीचे उतरने लग गया देखा उसका अंदर में एक काला सांप बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ, काले सांप बैठा हुआ। इतने में सर को उठा करके उसको खाने के लिए आया और इधर शेर पीछा किया था, वो बीच में वो टेनिया पीपल टेनिया को पकड़ कर लटक रहा था। इतने में शेर आ गया, अभी शेर खाने के लिए पंजा बढ़ा रहा है। शेर क्या कर रहा है, खाने के लिए झपट रहा है। इधर शेर और नीचे कौन है, सर्प। अभी जिस टेनिया को पकड़ करके लटक रहा था वो टेनिया में एक मधुमक्खी की छत्ता बनी हुई थी। इतने में मधुमक्खी छत्ता हिली गई, हिली गई तो वो जितने मधुमक्खी ना चारी तरफ में से काटने लग गए, चारी तरफ इसको काटने लग गए। इतने में क्या हुआ, वो जो एक टेनिया को पकड़ कर लटक रहा था दोनों तरफ में दो चूहे रहते थे, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। जब उनको थोड़ी सी हिसा हीट मिली इतने में दोनों चूहे निकल करके आ गए और दोनों जो टेनिया थी ना दोनों टेनिया को काटना शुरू कर दिया। क्या करा, काटना शुरू कर दिया। अब सोच रहे हो ऊपर में शेर नीचे सांप, मधुमक्खी काट रही है और उधर जिसे टेनिया को पकड़ करके लटक रहा था दो चूहे काले और सफेद, दो चूहे क्या कर रहे हैं, दोनों को काट रहे हैं। अभी नीचे नीचे गिरने वाला, अभी वो नीचे गिरने वाला। इतने में देखा वो जो टेनिया में एक मधुमक्खी की छत्ता थी उससे कभी कभी एक आध बूंद शहद टपकता था। उसने क्या किया, जीभ को निकाल दिया, निकाल करके बोले क्या आनंद है, क्या आनंद है। देखो ये संसार यही है, देखो ये चीज को समझो। कहते पीछे शेर पीछा कर रहा है, शेर क्या कहा, हम कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, सबके सब छोटे होते जा रहे हैं। बोले काल रूपी शेर पीछा कर रहा है, मरने वाला है। इतने में कुएं में छलांग लगा दी, ये कुएं क्या, बोले घर गृहस्थी, ये अंधा कुआ घर गृहस्थी है। नीचे सर्प है, बोले सर्प क्या है, नीचे वो भी नीचे काल और ऊपर काल। अभी जिसे टेनिया को पकड़ करके लटक रहे हैं वो टेनिया क्या है, कभी ये कर्म रूपी टेनिया है जिसके ये हमें मानव शरीर मिला। उसमें दो चूहे काट रहे थे, एक सफेद चूहे और एक काले चूहे। बोले ये काले चूहे कौन, बोले रात। बोले ये सफेद चूहे कौन, बोले दिन। मतलब ये जो मानव शरीर हमें मिला है जिसे टेनिया को पकड़ करके लटक रहे हैं, दिन और रात रूपी दोनों चूहे काट रहे हैं। अभी अभी नीचे गिरने वाले, अभी 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 उसने मधुमक्खी की छत्ता थी वो हिल गया और चारों तरफ में ये मधुमक्खी चारों तरफ में काटना शुरू कर दिया। बोले भैया ये मधुमक्खी क्या है, इधर सुना, कहते मधुमक्खी क्या है, ये जो काट रहा है। बोले कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी। ये जो दुख दुख है ना ये क्या है, मधुमक्खी हमें काट रही है। लेकिन एक आध बूंद जो शहद टपकता है जिसको खा करके भूल गया। बोले शहद क्या है, जैसे बच्चे
कभी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बोली पापा पापा मामा मामा बोल दिए हैं, कभी कभी पत्नी थोड़ी मीठी बोली बोल दिए, बात सुन करके हम सब भूल करके संसार में डूब जाते, संसार में हम डूब जाते हैं संसार में। इसलिए जब उनने चतुसन को बोले, बोले भैया भगवान का आदेश संसार करो, बोले पिताजी ये घर गृहस्थ में बसना नहीं चाहते, बड़ा दुख में है, तब फिर उन्होंने शंकर जी को प्रकट किया। जब शंकर जी को प्रकट किया, बोले भैया संसार का सृष्टि करो, शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम जोगी जोगी महाजोगी। अब देखो शंकर जी की कहीं भी मूर्ति देखोगे ना, शंकर जी ध्यान में बैठे हुए देखोगे, प्रभु की चिंतन में डूबे हुए। जब शंकर जी की ध्यान लगती है, कल्प कल्प तक लग जाती है, उनका ध्यान नहीं टूटती है। इसलिए शंकर जी भी प्रभु की भक्ति में मस्त रहना चाहते हैं। शंकर जी ने देखा बड़े भैया तो मना कर दिए, अगर मैं मना कर दूं ना फिर ब्रह्मा जी बिगड़ जाएंगे। उन्होंने ना भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है, ये सृष्टि कर रहे हो ना, संहार कर, जरूरत चुप करो बंद करो। शंकर जी बोले भैया मैं तो यही जा रहा था। फिर उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर उन्होंने 10 पुत्र को सृष्टि की, फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनो और सतरूपा को सृष्टि की। और यही सही ये सृष्टि का परंपरा धीरे धीरे यही से चला। इसलिए हम श्री मनु महाराज से आए, इसलिए हमको मानव कहलाते, क्या कहलाते हमको, हम मानव है, यही से सृष्टि हुई। तब उन्होंने 3 बेटी और 2 बेटे को जन्म दिया। किसको जन्म दिया, 3 बेटी और 2 बेटे। अब यहां पर माता कर्दम ऋषि, माता देवहूति की कथा आती है। बोले श्री कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिया, बोले बेटा वर मांगो, बोले प्रभु भक्ति मिले, बोले ठीक है कोई बात नहीं भक्ति मिलेगा, बताओ और तुमको क्या चाहिए। बोले देखो मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थ की इच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है, क्या इच्छा है, ये सृष्टि का धीरे धीरे क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा को जान करके हम तो घर गृहस्थी करेंगे, लेकिन 2 शर्त है। बोले क्या शर्त है, बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे फिर मैं शादी करूंगा। ए बच्चे चुपचाप बैठो यहां पर, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना फिर मैं शादी करूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं मैं बेटे बन जाऊंगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक बेटा नहीं हो जाए, फिर मैं भजन के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं उसको बाद में तुम चले जाना। अभी उन्होंने शादी कर ली, किसको साथ में, माता देवहूति की कर्दम को साथ में शादी हो गई। फिर शादी करके फिर उन्होंने प्रभु का भजन में फिर बैठ गए और माता देवहूति फिर पति सेवा में लग गई, पति की सेवा में लग गई। और हमारे भारतीय संस्कृति कहता है पत्नी के लिए जो पति है ना यही परमात्मा है। इसलिए उन्होंने बड़ी पति व्रता धर्म को जाजन करते हुए पति की सेवा की। पति 10,000 साल तक फिर भजन में बैठे। जब उनकी आंख खुली उन्हें भूल गए मैंने कभी शादी की, सामने देखा कि डोकरी बैठी। बोले तू कौन हो, बोले आपने कभी शादी किया हो, याद है शादी किया था। बोले हाँ तू वही देहूति हो, बोले हाँ मैं वही देहूति हूँ। ये आकुति देहूति प्रसूति ये जो तीनों बेटी थी ना इतने सुंदरी थी जिनकी रूप देवता लोग देख करके बेहोश हो जाते थे, इतने अपूर्व सुंदरी। लेकिन माता देवती ने पति की सेवा करते 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 यही से कर गई, जटाजूट हो गई और उसकी बूढ़ी हो गई, क्योंकि पति भोजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए पत्नी भोजन कैसे करेगी। तो भैया शिक्षा देती है ऐसे नहीं, हम स्वयं भजन किया, बच्चों को नहीं खिलाए और पति को नहीं खिलाए और खुद खा लिए, ये नियम नहीं है। क्या करनी चाहिए, सबसे पहले तो पति नहीं परम पति भगवान को भोग लगाओ, पहले कृष्ण को, सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाओ, फिर पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, फिर उसके बाद में खुद खाओ, है ये नियम है। पति को खिलाए वगैरह नहीं खानी चाहिए। इतने में उसकी जटाजूट हो गई। बोले जटाजूट क्यों हो गई, क्या कारण है। बोले कारण है पति बैठे हुए भजन में, पति भजन में बैठे हुए, जब पति भजन में बैठे हुए फिर पत्नी वो अपना श्रृंगार कैसे करेगी,
इसलिए पत्नी जो श्रृंगार करती किसके लिए पति श्रृंगार करती है, किसके लिए पत्नी श्रृंगार करती है, पति के लिए करती है, दूसरों के लिए नहीं। और पति तो भजने में बैठा, किसको श्रृंगार करके किस लिए सजेगी, इसलिए उसकी जटा जूट सबके सब उसकी जटा जूट हो गई है। इतने में करदम ऋषि बोले बताओ तुमको क्या चाहिए, बोले आपने शादी क्यों किया था, बोलो शादी क्यों किया था, बोलो ठीक है, बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। जब उसने बिंदु सरोवर में गोता लगाई वो पहले जितने सुंदर थी ना उससे और सुंदर बन गई, और हजार दास दासियां वहां से प्रकट हो गई, और उन्होंने एक विमान प्रकट किया जिसका नाम कामक विमान, मतलब वो ऐसे एक विमान है जिसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे वो अपने आप उड़ेगा, और वो विमान में जो बैठेगा ना वो कभी बूढ़ी नहीं होगा, कभी उसकी भूख नहीं लगेगी, और वो विमान कितने बड़ी बोले कितने क्रोस तक लंबी चौड़ थी, जिसमें सुंदर सरोवर है, राज हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जिसमें सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल फलों से भरे हुए, बड़ी सुंदर अद्भुत वो विमान है। अभी दोनों पति पत्नी उसमें बैठे और आकाश में घूमते रहे हैं। अभी उनकी 9 बेटी हुई, कितने बेटी हुई, 9 बेटी हुई, बोले देवती अभी तो खुश हो गई, तुमको 9 बेटी हो गई अभी खुश हो गई कि नहीं, बोले नहीं अभी तो भगवान बेटे बन करके आए ही नहीं, बेटिया तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएगी, मैं क्या करूं, एक बेटा तो चाहिए ना मेरे पास में जो रहेगा। तो माता देवती ने उनकी सेवा की तो भगवान स्वयं श्री कपिल मिन रूप में भगवान स्वयं आए, बोले श्री कपिल भगवान की, जोर से जयकार दो, बोले श्री कपिल भगवान की जय जय श्री राधे। अभी तो मैं बोलते बोलते थक गया, अभी थोड़ा कीर्तन कर लो ठीक है, मेरे पीछे पीछे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, मैं एक बार बोलूंगा और नहीं बोलूंगा, बोलो अमृत माइक प्रभु जी माइक, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।
शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। Oh,
नहीं रहते हाथ उठाए ऊपर, हाथ उठाकर बोलना है तो उसको एक माइक चले जाता है ना, काम हो जाता है। कहाँ से आए? आने वाली है। हरे कृष्ण प्रेम से बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे
इसलिए बोले तू फिर जंगल क्यों जा रहे हो, भगवान तो तेरे घर में। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक भक्ति नहीं करोगे ना, भक्ति के बगैर अगर भगवान भी मिले तुम्हारी लाभ नहीं होगा। जैसे रावण राम को देखा है, देखा कि नहीं, लेकिन राम को साथ में देख करके क्या किया, भगवान को साथ में युद्ध किया। जैसे मेघनाद ने राम लक्ष्मण को तो देखा, लेकिन क्या किया, राम लक्ष्मण को नागपाश बंधन में बांध दिया, लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति से लेकिन उन्होंने प्रहार किया है। जैसे कंस कृष्ण को देखा लेकिन जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की। शिशुपाल ने देखा भगवान को, एक को बाद में एक गाली, 101 गाली निकाली। इसलिए भैया कृष्ण को तो दर्शन किया लेकिन इनकी मनी नहीं बदली, क्यों, कारण क्या, बोले कारण है, बोले जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम साधन नहीं करेंगे, अगर भगवान हमें दर्शन देंगे ना, हमारे उतना लाभ नहीं होने वाला। इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। संतों की कृपा और भगवान की भक्ति को द्वारा ही प्रभु प्राप्त होते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। जब पिताजी चले गए घर में, दो व्यक्ति रह गए, कौन कौन रह गए, एक पति पत्नी बेटा और श्री माँ रह गए। बेटा को पता है ये मेरी जो मेरी जो माँ को पता है मेरे जो बेटा है ये भगवान है। एक दिन माँ अपना बेटे को पास में आई, हाथ जोड़ करके बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में, कभी बेटी के घर में, कभी बेटा को पास में, कभी नातियों में, मन देखना बड़ा चंचल। हम स्त्री जाति बड़ी चंचल हमारी मन है, बताओ ये चंचल मन की कल्याण कैसे हो, हमारी उद्धार कैसे हो। तो भगवान ने अपना माँ को उद्देश्य करके उन्होंने बड़ी सुंदर ज्ञान की बात बताई, जिस ज्ञान को सुन करके माता का भी भगवंधन नष्ट हो गई। देखो ध्यान देकर सुनो, भगवान अपना माँ को क्या कहते हैं, बोले माँ, बोले मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षव। कहते जो मन है ना ये मैन है, हमारी 11 इंद्रियां है, कितना इंद्रियां है, 11, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, लेकिन इनका जो राजा है ना ये मन है। जैसे मन ने कहा चलो सत्संग हो रही है, चलो कथा सुन करके आते हैं, देखना सारी इंद्रियां यहाँ पर बैठी है। अगर मन बोलता अरे कथा सुनकर किया होगा, घर में बैठो ना, टीवी खोल कर बैठ जाओ, बड़े सुंदर मैच आ रही है, हैं, और आज बड़े सास बहू की लड़ाई आ रही है, ये सीरियल आ रही है, कथा से क्या होगा, यहाँ पर बैठ करके हैं टीवी देख ले, पर ये इंद्रियां क्या करती, घर में बैठ जाती, ये कथा में फिर नहीं आती। इसलिए जो मेन है हमारी मन, इसलिए हमारे गुरु जी के गुरु जी प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जुत्ती लो, और जुत्ती लेकर के अपना मन को 100 बार पीटो, 100 बार ये मन को मारो, मतलब क्या, ये मन को समझाओ, मैन सारा दिन उल्टा पुल्टा चीज नहीं करना, दिन भर ठाकुर को सेवा करना, ठाकुर का नाम जप करना, ठाकुर जी की भक्ति करना, गंदी चीज में मन मत लगाना, ये मन को ठाकुर जी की भजन में लगाना। सवेरे उठ करके अपना मन को 100 बार पीटो, जूती मारो, क्यों, ये मन बड़ा दुष्ट है, देखना कोई दूसरा काम में लगाओ ना झट लग जाएगी, लेकिन भजन की जब बात बताओ ना वो 1000 बहाना बज करेगी, अरे ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, लेकिन शादी की क्या ना पहले तैयारी बैठेगी, कौन सा सूट सलवार पहन करके जाएंगे, कौन सा कपड़ा, कौन सा जूती, कौन सा घड़ी मैच की पहन करके जाएंगे, हैं। लेकिन प्रभु की भजन की बात बताओ ना, माला की बात, ये मन कितने बहानाबाजी करता है। इसलिए कहते हैं माँ पहले ये मन को ठीक कर दो। बोले भैया ये मन तो बड़ा चंचल है, ठीक करेंगे कैसे, बोले एक उपाय है माँ, तू संतों की सेवा करो, संतों की संग करो। इसलिए बोले संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अब बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। माँ संतन का संग करो, भक्तों का संग करो। बोले बेटा तू तो कह दिया संतों की संग करो,
लेकिन इस संतों का गुण भी तो कुछ होनी चाहिए ना। कोई कपड़े पहना हुआ, कोई लंबे चौड़े लाल कपड़े पहने, मोटे मोटे तिलक लगाए संत मान ले। हाँ ध्यान देख लो सुनो ना, उसको हम संत मान ले नहीं। ये कपड़े को संत नहीं कहते, ये कपड़े को संत नहीं कहते। किसको संत कहते? उसका आचरणों को संत कहते, उसकी आचरणों को संत कहते हैं। अगर कपड़े संत को पहने लेकिन कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, थोड़ी उसको संत कहेंगे, संत नहीं कहेंगे। इसलिए उसकी आचरण होनी चाहिए। बोले बेटा क्या आचरण, थोड़ी सी बोल दो। भगवान कहते हैं प्रतितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ संतों का पहला लक्षण है सहन शक्ति। कितना जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। सबसे पहले देखो घर में हो नहीं तो संत जीवन में हो, अगर बात बात में मचल जाते हो, बात बात में क्रोध आ जाती है, बात बात में फिर संसार में भी सुख रहेगा नहीं। हर चीज को सहन करना पड़ेगा। इसलिए जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। देखो एक संत थे, ध्यान देकर सुनो, एक संत थे जिनका नाम था श्री तुकाराम। कहते ये कभी भी इनके मन में कभी क्रोध नहीं आता था, कभी क्रोध नहीं। एक समय गांव के लोगों ने सोचा ये बाबा के मन में कभी भी क्रोध नहीं आता है, आज इनको क्रोध दिलाएंगे। बोले कैसे? बोले वो रोज गंगा में नहाने जाते थे। एक व्यक्ति ने किया कि एकदम टोकरी में कचड़े लेकर के खड़े हो गए। बोले जब आज ये संत आएंगे ना, इनके सर में सीधा डाल देंगे। जब वह संत स्नान करके आए, सीधा कचड़े उसके सर पर डाल दिए। लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोले, वो सीधा गए फिर गंगा में नहा करके आए, फिर डाल दिए। उन्होंने 100 बार उसको सर पर डाले, जब संत कोई भी बात नहीं बोले, 100 बार बाबा ने स्नान किया गंगा में। इतने में उनके चरण में गिर पड़े, बोले बाबा हम तो सोच रहे थे आपका आज क्रोध दिलाएंगे, लेकिन 100 बार भी कचरे डाल दिए, अब तो कुछ ही नहीं बोले, हमारी अपराध हो गई। देखो संत क्या कहते हैं। बोले तुम लोगों ने आज मेरी बड़ी उपकार की। बोले क्या उपकार किया? बोले रोज मैंने गंगा में 1 बार नहाता था, आज तुम लोगों को वजह से 100 बार गंगा में नहा लिया। अगर कचड़े नहीं डालते मैं थोड़ी स्नान करता, इसलिए तुम लोगों ने मेरी उपकार किए। इसलिए संतों का पहला लक्षण है वो कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते हैं। हर समय भगवान की नाम जप करते रहे। इसलिए ऐसे ही संतों की उनने 26 लक्षण बताया। हाँ देखो संतों की एक विशेष लक्षण है, ये चीज को समझो माताएं सब। बोले इनका एक विशेष लक्षण क्या है? बोले मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जदिराम। कहते जो भक्ति है ना, सब ध्यान देकर सुनो, भक्ति एक अनिष्ठ होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होनी चाहिए। मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति, एक निष्ठ होकर के भक्ति करो। अगर आप बहुनिष्ठ हो गए ना, आज उसकी पूजा कर दी, काम नहीं बना उसको पास में चलो, काम नहीं बना उसी देवी को पास में दौड़ो, नहीं हुआ वो बाबा को पास में चलो, नहीं, ऐसे होने से तुम्हारे मन में शांति नहीं रहेगी। इसलिए मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना कोई, जैसे गोपियां कहती है उद्धव मन ना भयो दस बीस, मन दस बीस नहीं हुए, मन एक है, एक मन सो गए श्याम संगे। जब उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों को बोले ध्यान करो, बोले उद्धव ध्यान तो मन से होता है, मन तो दस बीस नहीं, मन तो एक है, लेकिन वो तो कन्या को साथ नहीं गया, फिर ध्यान कैसे करेंगे, समझ रहे हो? देखो एक कहानी सुनो। बोले एक समय एक मुसलमान हिंदू में लड़ाई हो गई। मुसलमान ने कहा देखो मेरे अल्लाह बड़ा है, और हिंदू ने कहा मेरे भगवान कृष्ण बड़ा है। बोले किसकी भगवान बड़ा है परीक्षा करेंगे? बोले क्या करेंगे? बोले एक पेड़ ऊपर चढ़ जाएंगे, चढ़ करके अपना अपना ठाकुर का नाम लेकर कूदेंगे, जो बच जाएगा समझे वही बड़ा है, उसका ठाकुर बड़ा। एक मुसलमान पेड़ के ऊपर में चढ़ा, वो तो एक अल्लाह को पूजा करता है, उसने एक मन से अल्लाह को पुकारा, बोला अल्लाह अगर तू सच्चा है तेरे नाम लेकर मैं कूद रहा हूं। उसने कूदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हिंदू उसका तो एक निष्ठ है ही नहीं। पहले बोला हे गणेश जी,
आप तो सारे विघ्नों को विनाश करने वाले, आप रक्षा करो, आपका नाम ले रहा हूँ। गणेश जी आ गए, सोचा भैया उसका मैया को थोड़ा क्यों याद नहीं कर लिया, उसकी मैया को क्यों नहीं याद कर। बोले माता जी आपका नाम को लेकर कूद रहा हूँ, इतने में आया था गणेश रक्षा करने के लिए। गणेश जी ने कहा भैया मैं नहीं रक्षा करने के लिए आया, मेरे ऊपर उसका विश्वास नहीं। फिर भैया को बुलाया, गणेश गया। फिर सोचा भैया उसको पिताजी को क्यों थोड़ी नहीं बुलाते, किसको, श्री भोले बाबा को। बोले हे भोले बाबा मेरे को रक्षा करो, तेरे नाम ले रहा हूँ। उसने एक एक करके ना सारे देवता को बुलाना शुरू कर दिया। अब एक आए एक गए, एक आए एक गए, और लास्ट में खुद ना हाथ प्यार ही खुद गया। समझ रहे हो, अगर एक को एक मन से, अगर एक को हम याद करें और एक का नाम ठीक से लेना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे, और जो सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। समझ रहे हो, इसलिए कन्या को एकनिष्ठ होकर कन्या की भक्ति करो, उसको पुकारो। हम परसों सुनेंगे इंद्र कैसे बिगड़ जाएगा और कृष्ण कैसे गिरिराज उठा लेंगे। ब्रह्मा को उनकी, ब्रह्मा को जो अभिमान, उसको भी उन्होंने नष्ट किया। कृष्ण ऐसे के देवता है, कृष्ण सारे देवता की मोह सारे अभिमान कृष्ण दूर करते हैं। जब हम कृष्ण के शरण में आ जाएंगे, कोई देवा देवी तुम्हारी कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों, तुमने ठाकुर की शरण में लिए हो। इसलिए भगवान कहते माँ जो भक्ति है ना, अनन्य भाव से भक्ति होनी चाहिए, नहीं तो वो भक्ति में सिद्धि नहीं मिलती है। जैसे श्री हनुमान जी राम के एकनिष्ठ भक्त है, राम की एकनिष्ठ भक्त। तुलसीदास जी भगवान राम की एकनिष्ठ भक्त। मीरा कृष्ण की एकनिष्ठ भक्त। गोपियां कृष्ण की एकनिष्ठ भक्त। इसलिए एकनिष्ठ भक्ति करने पड़ेगा, बहुनिष्ठ होने से फिर उसमें सिद्धि नहीं होती। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले माँ जब जीव मातृगर्भ में आता है, उसको 7 महीना हो जाए ना मातृगर्भ में, उसको चेतनता आ जाए, प्राण आ जाता है। उसी समय वो बच्चा देखता है कहाँ मैंने नरक में आ गया, टाटी पेशाब का थली में मैंने, पेट में क्या है टाटी पेशाब को दे नहीं, सर नीचा टांग ऊंचा रहता है। फिर भगवान को पुकारता, बोले प्रभु मेरे को ये नरक से निकाल दो। भगवान दर्शन देते हैं, बोले बेटा बताओ अभी तू क्या करोगे, तेरे को निकाल दूंगा तो क्या करोगे। बोले प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं देख लिया ये संसार झूठा है, कोई किसकी है ही नहीं, एक बार अगर मेरे को जन्म दोगे ना, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा। बोले सही बोल रहे हो, बोलो प्रभु एकदम सही बोल रहा हूँ। भगवान बोले देव अगर तू भूल जाओगे ना, बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले पहले जब एक बाल पक जाएगा समझना ये मेरा फर्स्ट वार्निंग, पहला चेतनता है। लेकिन जब हम एक बाल पक जाए देखे ना, उसको उखाड़ करके फेंक देते। बोले इतना जल्दी बूढ़ा हमें बना रहे, अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर दूसरा बाल पक जाए उसको भी उखाड़ कर फेंक देते हैं, तीसरा हो जाए उसको भी फेंक देते हैं, लेकिन जब खिचड़ी बन जाए फिर कलर कर देते, फिर इसको कलर कर देते, रंग कर देते। बोले थोड़ी बुरा बुरी हुई, अभी कुछ नहीं हुआ, भगवान की फर्स्ट वार्निंग। भगवान बोले दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या, बोले आंख में कमजोर होने लग जाएगी, आंख में देखना कम होने लग जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर आंखों में चश्मा लगा देते हैं, उसका वार्निंग नहीं सुनते हैं। बोले तुमको तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या, बोले तुम्हारी एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा। लेकिन फिर डेंटिस्ट के पास में जा करके फिर 32 दांत लगा देते हैं और बढ़िया खिलखिला कर हंसते हैं। बोले हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं ये मेरी एक एक वार्निंग है। भगवान कहते फिर चौथा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले 2 पैर से 3 पैर हो जाएगा। फिर डंडा लेना शुरू करोगे, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे। अगर फिर नहीं सुनोगे ना, भगवान कहते फिर पंचमा वार्निंग नहीं, फिर राम नाम सत्य है। इसलिए ये भगवान एक एक हमें चेतनता देते, भैया समय रहते
भगवान के भजन कर लो और ठाकुर जी को पास में चल पड़ो, ठाकुर जी को पास में चल पड़ो। बोले माँ किसी जाति में क्यों जन्म नहीं हो, किसी जाति में क्यों जन्म नहीं हो माँ, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे श्री हनुमत लाल जी बंदर जाति में जन्म हुए लेकिन राम का देखो कितने बड़े राम का भक्त है। जैसे सबरी सबरी जाति में जन्म लिए लेकिन देखो भगवान जिसकी झूठा बैल खाए, भगवान जैसे गुह के चंडाल चंडाल घर में जन्म लिए भगवान उसका अपना मित्र बनाए, जैसे राक्षस विभीषण हैं लेकिन भगवान उसको साथ में मित्रता बनाए अपना सखा बनाए। इसलिए माँ जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान की भजन में माँ कोई जात पात का विचार नहीं, जो भजन करता है वही बड़ा। अगर जितने बड़े कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर भक्ति नहीं करता है उसका जीवन का कोई महत्व नहीं। इसलिए माँ जीवन पा करके भगवान की भजन करनी चाहिए। बोले माँ अगर कोई भजन नहीं करेगा फिर क्या होगा। बोले मरने का बाद देखो, ध्यान देकर सुनो, मरने का बाद देखना हम 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है। 13 दिन लगता है ना, भगवान कहते माँ 13 दिन क्यों लगता है, 13 दिन बाद में शुद्धि क्यों होते हैं। बोले मरने का बाद उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो बैतरणी नदी केवल टाटी पेशाब खून और पी इसका वो नदी होता है, उसको कोड़े मार मार कर उसको पार कराते हैं, इसलिए 13 दिन उसको लग जाती है। देखना अब लोग देखना, जो व्यक्ति लास्ट जीवन में बड़ा कष्ट भोग करके जीवन बिताया मरे, लोग बोलते भैया उसको नाम पर गैया दान दे दो, वो गैया को पूछ पकड़ करके जल्दी जल्दी पार हो जाएगा बैतरणी नदी, उसको नाम पर गैया दे दो, बोलते ना गैया दान दे दो। क्यों, उसने बड़े कष्ट पा करके बिस्तरा में पड़ करके बड़े दिन तक तो कष्ट उठाते हुए मरे हैं, इसलिए गैया दान उसको नाम पर दे दो। हाँ देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, ये बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ेगा। बोले जिसकी गले में तुलसी कंठी नहीं, जो तिलक नहीं लगाते हैं और जो भगवान के नाम नहीं जप करते। अगर जिसकी गले में तुलसी की कंठी होना वो कभी भी ये बैतरणी नदी पार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों, गले में जिसकी तुलसी कंठी, इसलिए जम महाराज जम दूत को कहते हैं। बोले देखो जो भजन नहीं करते हैं उनको पकड़ पकड़ कर मेरे पास लाना। पर जमदूत कहते बोले प्रभु हमें पता कैसे चलेगा कौन भजन करता नहीं करता, कुछ तो लक्षण बता दो। तो भगवान ने 3 लक्षण बताए, देखो ये श्लोक है। बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका, हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले उनमें 3 लक्षण हो गए। पहला लक्षण किया, बोले गले में उनकी तुलसी कंठी जरूर देखो। जब गुरु जी को पास में कोई हरिनाम दीक्षा लेने आते हैं गुरु जी सबसे पहले तुलसी कंठी देते हैं, क्योंकि जब तक तुलसी कंठी नहीं पहुंचोगे ना ये शरीर पवित्र नहीं हो पाए। आप देखना ठाकुर जी को भोग लगाओ जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते हैं ठाकुर जी को वो सेवा में नहीं लगती है। उसी तरह जो शरीर हमारा है ये किस चीज के में बनी हुई है, 5 चीज में, मिट्टी वायु आकाश हैं, कहते आकाश और अग्नि 5 चीज में बनी हुई। बोले पंच रचित तो ये अधम शरीर है, अधम शरीर है, लेकिन ये शरीर तब तक पवित्र नहीं होगा जब तक गले में हम तुलसी की माला नहीं पहनते, तुलसी की कंठी नहीं पहनते हैं तब तक ये शरीर पवित्र नहीं होता है। देखो आप लोग तो हिंदू है, आप लोग देखना ये सालग्राम को साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे कि नहीं। क्यों, ये जो तुलसी ये लक्ष्मी है, अगर गले में तुम्हारी तुलसी है ना माँ लक्ष्मी की निवास हो गई, माँ लक्ष्मी निवास हो गई। जब भगवान ये जगत छोड़ कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, तुलसी में। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी। बोले वृंदावन में क्यों बांके बिहारी, बोले वृंदा मतलब तुलसी, वन जहाँ पर तुलसी का वन वहीं पर बांके बिहारी। अगर जिनकी गले में तुलसी कंठी कौन कौन हो गए बोलो, लक्ष्मी हो गई,
और नारायण हो गए, गले में लक्ष्मी नारायण की निवास गले में हो गई है। जैसे कोई बोली बोलोगे शुद्ध बन करके निकलता है, कोई खाना खाओगे शुद्ध बन करके अंदर में जाएगा। इसलिए गले में तुलसी पत्ती की बहुत जरूरत है। और जब महाराज और एक बात बताए, बोले देखो कैसे पता चलेगा कोई भक्ति करता नहीं करता, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं। कितने तरह के कुत्ते होते हैं? दो तरह के, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। देखना जो पालतू कुत्ते हैं गले में उनकी पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर की कुत्ते। और जो फालतू कुत्ते बोले बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं वो फालतू है। इसका मतलब है जिनकी गले में तुलसी कंठी है ना वो ठाकुर जी की पालतू है। अगर गले में कंठी नहीं तो वो कौन है? बोलो कौन है? फालतू। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए भगवान की, हमें पालतू बना, ठाकुर जी की पालतू बना। इसलिए भगवान कहते माँ अगर गले में तुम्हारी तुलसी कंठी है कभी भी ये बैतरणी नदी पार नहीं करोगे, कभी नहीं, ठीक है ना। इसलिए सबके सब गले में तुलसी की कंठी हो, माला हो, और तिलक भी लगानी चाहिए। तिलक कोई साधारण वस्तु नहीं, जैसे माताएं मांग भरती हो सिंदूर लगाते हो, ये दुनिया पति के लिए तो ये लगा दिए लेकिन परम पति के लिए तुमने क्या किए? जो असली पति, जो जन्म जन्मांतर का पति, उसके लिए तिलक लगानी चाहिए। अब तो हिंदू है, अब तो पता है, जैसे कोई अच्छे बिजनेस में जा रहे हैं तिलक लगा रहे बैठते हैं, ब्राह्मण पूजा करने के लिए आए सबसे पहले तिलक लगाएगा उसके बाद में पूजा करेगा, बगैर तिलक के पूजा नहीं करता है। इसलिए तिलक लगाने का बड़ा महत्व है, इसलिए तिलक जरूर लगाना गले में कंठी। और क्या करो? भगवान की माला जप करो, ठाकुर जी की माला जप करनी चाहिए, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। बामन देव को बनाया? अच्छा हाँ बनाओ। ए बच्चो इधर बैठना तो बात मत करो नहीं तो पीछे चले जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो जाओ। घूमत नैनन के तू और मीठे मीठे गए नन के सूरत के तू और प्यारी प्यारी सूरत के बिहारी बहुत बहुत गए हैं, गए तो यहाँ तो सभी लोग लग हो, पीछे कुछ लोग नहीं गए। अरे ये गुजरी है ना, फिर जाएंगे। अच्छा बाकी बिहारी जो लोग गए हैं देखे होंगे कि दो मिनट अंतर अंतर पर्दा लगता है, लगता है कि नहीं? क्यों लगता है? बोलो बोलो क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बाकी बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कहीं उनको नजर न लग जाए। सुंदरम कितना सुंदर, क्योंकि उनका एक नाम है भक्त वत्सल भगवान, यानी कि भक्त के प्रेम में बधे चले जाते हैं। और भक्त के प्रेम में भक्त जो प्रेम करते हैं वो आंख में बैठा के ले जाते हैं बाकी बिहारी, इसलिए वहां दो मिनट अंतर अंतर पर्दा लगता है। तो आप लोग बाकी बिहारी से प्रेम कौन कौन करते हैं? करते हैं? हाँ सभी लोग करते हैं लगभग। तो आइए बाकी बिहारी कैसे नाचते हैं देखिए, आइए। अरे बाकी मंदिर में गोपाल
बजन ही पायलिया बजन ही पायलिया बजन ही पायलिया बजन ही पायलिया ओ बजन ही पायलिया बजन ही पायलिया अरे नाच बजन गोपा ओ बजन ही पायलिया एक बार सभी लोग खड़े हो जाए बहुत दिन से बैठे प्यार प्यार छुड़ा दे और सभी लोग नृत्य करेंगे तभी तो कन्हैया आएंगे अरे माथे जो है अरे माथे माथे को का मन में ही आए दिया
एक
ऊपर सभी उठेंगे ऊपर। हाँ प्रेम से बोलो केवल उनने दुर्योधन को बोल दिया अंधा का बेटा अंधा है।
पूरा महाभारत हो गया। बोले अंधा का बेटा अंधा है, इसका मजा चखाऊ। सब कुछ हरण करके ले लिया। फिर द्रौपदी को वस्त्र हरण करने के लिए चाहा। इसको देख करके भीमसेन का बड़ा क्रोध आया। बोले जी से हाथ से तुम द्रौपदी की वस्त्र में केस में हाथ लगाया, उसी हाथ को मैंने उखाड़ करके फेंक दूंगा। दुर्योधन क्या बोले, जिसे जंगे के ऊपर में तुम द्रौपदी को बैठना चाहते हो घोर युद्ध में, वो जंगे तोड़ दूंगा। तोड़ दिया कि नहीं? तोड़ दिया है। देखो ये महाभारत क्यों हुई, सीता की वजह से। जितने भी माँ सीता लक्ष्मी है, द्रौपदी वो भी लक्ष्मी है, लेकिन ये दुनिया को शिक्षा देते हैं। ये सीता भी थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। बोले क्या गड़बड़ी की? जिस समय मारिच ने हिरण बन करके आया, मैया सीता बोली राम को कि देखो सोने की हिरण, उसको पकड़ करके ला दो। अगर पकड़ में नहीं आए ना, उसको मार करके उसको चमड़ा ले आना। जब आप भजन करोगे, उसको बिछा करके भजन करोगे। अभी राम पीछे पीछे गए, लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़ना नहीं, ये राक्षस लोग रहते हैं। बोले ठीक है भैया। जब वो गए, वो बड़े दूर तक ले गए, इतने में राम ने बाण मारे। किसको? मारिच को। मारते ही वो तो था दैत्य, उसने जोर से चिल्लाया भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण बचाओ। सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुमने सुनियो, राम को ऊपर विपत्ति पड़ी है, जाओ रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण का पता प्रभु तो भगवान है, उनको ऊपर क्या विपत्ति पड़ेगी। बोले नहीं भैया का आदेश आपको मैं छोड़कर नहीं जा सकता। बोले इतने में सीता जी ने क्या बोले, मैं समझ गई हूं तू साथ में क्यों आया, तू सोच रहे हो राम मर जाएगा और तुम मेरे से शादी करोगे। मैया कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मण क्या मानती है? मेरी माँ। अगर माँ अगर बेटा की बात बताए, बेटा कभी सहन कर सकता है? लक्ष्मण ने बोले जीवन में पहला बार मैंने राम का आदेश को उल्लंघन कर रहा हूं। देखो माता एक काम करना, मैंने ये लक्ष्मण रेखा काट करके जा रहा हूं, कभी भी उसको पार नहीं करना। सीता ने दो गलती की। क्या गलती की? पहला तो जीवा में असत शब्द बोली, फिर लक्ष्मण रेखा को उसने पार की। और रावण ने क्या किया? सीता को उठा करके ले गए। देखो माता ही ध्यान देकर सुनो, कभी भी ये जीवा को चलाना नहीं। देखना घर में भाई भाई में क्यों लड़ाई हो जाती है, परिवार में क्यों? केवल जीवा की वजह से। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी जीवा स्लीप हो गई, जीवा से कोई बात निकल गई, क्या हो जाता है? बोले उसने मेरे को ऐसे बोला ना। फिर पति को कान में मंत्र देखी, वो मेरे को ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कर रहे थे। बाहर देखना भाई भाई में लड़ाई, घर घर में फिर महाभारत शुरू हो जाती। घर घर में इसलिए शिक्षा देते, भैया ये माताएं जब जीवा को चलाओ ना, सोच विचार करके बोलो, ऐसे नहीं जो मुंह में आए सो बोलते रहो। फिर देखना घर में महाभारत रामायण शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज सिखा दी, कभी भी अपना मर्यादा को पार नहीं करना, नहीं तो रावण हमें उठाकर ले जाएगा। कौन उठाकर ले जाएगा? मतलब क्या? स्त्रियों को ध्यान रहनी चाहिए, पहले तो आप लोग अच्छे हो। लेकिन अभी का जो लड़कियां, नई नई लड़कियां हैं, जैसे इनको बाहर स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, इन लोग को सावधान में रहनी चाहिए, नहीं तो रावण उठाकर हमें ले जाएगा। इसलिए हर समय कहीं बाहर जाते हो, अपना मर्यादा को लेकर के रहो। मर्यादा को उल्लंघन करोगे, रावण ही ले जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें सावधान रहनी चाहिए। इतने में क्या हुआ, अभी उन्हें समुद्र मंथन से जहर को शंकर जी अपना गले में धारण कर लिया। फिर मंथन हुई, माँ लक्ष्मी निकली, उन्होंने नारायण की गला में माला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। उसके बाद में अमृत निकला, फिर तो दोनों में लड़ाई हो गई, अमृत के लिए मंथन हो रहा था। इतने में दैत्यों ने अमृत छीन लिया। इतने में श्री भगवान मोहिन अवतार लेकर के आए। बोले देखो दो लाइन करके बैठ जाओ, मैं बांट दूंगी। बोले देखो देवताओं, इनको तो पानी पानी ऊपर से पिलाऊंगी, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना, फिर हम देखते हम दोनों बैठ कर पिएंगे। लेकिन वो मोहिनी इतनी सुंदरी, इतनी अच्छी थी, दैत्य लोगों ने बोले मोहिनी अगर ये अमृत नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर तू मिल गई ना हमें सब मिल जाएगी। और दैत्य मोहिनी क्या कर रही थी, देवता को तो अमृत पिला रही थी, लेकिन दैत्यों को तरफ ना तेरे चित्तवर से देख रही थी और मीठी मीठी थोड़ा हंस रही थी। और दैत्यों का नजर तो अमृत में नहीं, किसमें? मोहिनी के रूप में।
और उनने अमृत पिलाते पिलाते देवता को सब पिला दिए। इतने में एक स्वर भानु नाम का दैत्य, उसने धोखे से अमृत पी ली। माता ध्यान देखते सुनो, इसलिए उन्होंने क्या क्या धोखे से अमृत पी ली। चंद्र सूर्य ने बोले प्रभु ये देवता नहीं ये दैत्य धोखे से अमृत पी। ठाकुर ने चक्र को बुलाया और उसने गले को काट दिया। जब काट दिया एक राहु एक केतु हुई, इसलिए चंद्र सूर्य को बीच बीच में राहु केतु क्या करते ग्रास करते हैं। लेकिन जब उनको गले को काट दी, जहां पर वो मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज का पौधा हुआ, जहां पर हड्डी गिर पड़ा वहां पर लहसुन की पौधा हुई, और जहां पर उसकी खून का बूंद गिरी वहीं पर मसूर दाल हुई। इसलिए जो प्याज है ना ये राक्षस का मांस से ये सृष्टि हुई। आप लोग नवरात्रि रख रहे थे, कौन कौन नवरात्रि रखे हो? 9 दिन तक प्याज लहसुन कोई खा रहे थे आप लोग? बोले क्यों प्याज लहसुन नहीं खा रहे थे? कारण है इसकी जो सृष्टि है ना ये राक्षस की मांस से हुई है। इसलिए देखना प्याज जैसे लाल लाल, ये मांस भी लाल लाल। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, देखना प्याज कच्चा प्याज खाओ मुंह से दही से बदबू आएगी। किसको सामने बात नहीं कर सकते हो, अगर यहाँ प्याज काटोगे ना यहाँ पता चलेगा भैया प्याज कहीं कट रही है, हैं प्याज कहीं कट रही है। घर में छोंक दो देखना घर में बदबू भली जाती है। इसलिए देखना ठाकुर जी को प्याज रसनो भोग लगता है नहीं, मैया देवी को पसंद है नहीं, तभी तो 9 दिन तक नहीं खाई। क्या मैया देवी को 9 दिन के लिए खुश रहोगे फिर खाओ नाराज कर दो? नहीं, माँ को जिस चीज पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए प्याज लहसुन कोशिश करना इसको त्याग देने के लिए, शुद्ध रूप में भगवान की भोग लगाओ और प्रसाद खाओ। देखना घर में भगवान खुद कहते हैं प्रसाद है सर्व दुखना, कद जो मेरे को भोग लगाकर खाएगा उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, और मेरे को जो भोग नहीं लगाएगा कद भुंजन ते तु अधम कद पाप भोजन है। इसलिए कोशिश करना प्याज लहसुन को नहीं खाना, घर में ठाकुर जी को भोग लगा करके पति को खिलाओ बच्चों को खिलाओ खुद खाओ। अब स्वयं देख लेना कितना जैसे खाओगे अन्ना वैसे बनेगा मन। अगर भगवान को भोग लगा कर खाओगे मन पवित्र होगा शुद्ध होगा, स्वयं देख लेना घर में बड़े दुख कष्ट है, दुख कष्ट जा ही नहीं रहे। आप भगवान को भोग लगा कर खाना शुरू कर दो, अपने आप घर के सारे दुख दूर हो जाए। भगवान खुद कहते हैं मेरे को जो भोग लगाएगा उसको घर का दुख कष्ट दूर हो जाएगी। अगर मेरे को भोग नहीं लगाएगा हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी अगर नारायण के सेवा में नहीं लगेगी तो फिर लक्ष्मी घर में जितने दुख कष्ट ले आएगी। हरि बोल, फिर लक्ष्मी क्या करेगी? लक्ष्मी घर में सारे दुख कष्ट को लक्ष्मी ले आएगी, घर में शांति सुख में रहने नहीं देगी, ठीक है ना। इसलिए जो कुछ खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। बोले श्री बामन भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि बोल। इतने में भगवान मोहिनी ने सारे अमृत देवता को पिला करके वही अंतर ध्यान हो गई। फिर देवता देखते में लड़ाई शुरू हुई, देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, एक तरफ ने दैत्य को काटना शुरू कर दिया मारना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य वंश ही समाप्त तो हो जाएगी। इतने में भगवान हैं, इतने में ब्रह्मा जी आकर के सबको मना की। फिर इनका जो गुरु शुक्राचार्य, इसका साउंड कहाँ है माइक वाले अंदर में परिष्कार कर साउंड को, बाहर आवाज आ रही है इसलिए अंदर का भक्त दो। इसलिए भगवान श्री फिर शुक्राचार्य जो अपना चेलों को फिर जिंदा कर दी, दैत्यों का राजा बलि फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करके श्री नरसिंह भगवान की माला प्रहलाद दिए, ब्राह्मणों की सेवा करके प्रसन्न की, प्रसन्न करके यज्ञ से एक रथ निकला। जिस रथ में बैठ करके युद्ध करो उसे कोई मार नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने विजय कहाँ किया, स्वर्गों के ऊपर में चढ़ाव किया और देवता को मार मार करके भगा दी और इंद्र आसन को बलि छीन लिए। अभी देवता लोग मरते जगत में मारे मारे भटक रहे हैं।
अभी इनकी माँ अदिति ने श्री कश्यप जी को बोले, मेरे बेटे को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले देखो एक काम करो, तुम एक पयोव्रत है, ये पयोव्रत करो, भगवान वामन देव जन्म लेंगे और तेरे बेटे को स्वर्ग राज्य वापस दे आएंगे। उन्होंने पयोव्रत की तो भगवान श्री वामन देव जन्म लेते हैं। बोले श्री वामन भगवान की, वामन वामन भगवान को ले आओ, भगवान को ले आओ। जब श्री वामन देव आए, इतने में उनको ऊपर ने इन्हें संस्कार की, इसका अपना क्लियर करो माइक, इसका क्लियर करो। इसलिए जब वामन भगवान आए, श्री बृहस्पति ने इनकी ऊपर ने इन्हें संस्कार की। नियम है उपनयन संस्कार के बाद में बच्चे को गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। बोले बताओ गुरु जी क्या दक्षिणा चाहिए? बोले देखो एक काम करो, ये बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तुम नर्मदा नदी किनारे में जाओ, उनसे स्वर्ग राज्य को मांग कर लाओ। तब श्री बलि महाराज को दरबार में श्री वामन देव पहुंचे। अभी वामन भगवान को देख करके बलि महाराज बोले, जीवन मेरे धन्य हो गया है, आज इतने सुंदर ब्राह्मण आए, आप जो कुछ मांगोगे हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, इतने तेरे को भिक्षा दूंगा, कभी तेरे को झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले पहले आप संकल्प करो, बिना संकल्प से मैं मांगता ही नहीं। जब संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य भक्त भक्त आया, बोले सावधान बलि, ये जो है ना, वो जो बच्चे देख रहे हो, जानते हो ये कौन है? पहले जो मोहिनी बन करके आई थी, अभी वही मोहिनी मोहन बन करके आया, खबरदार ये तीन पग जमीनी मांग रहा है, तीन पग जमीनी नहीं, ये त्रिभुवन राज्य को ले लेगा, खबरदार इसको दान नहीं देना है भगवान ने। बलि महाराज तो खुश हो गए, बोले एक तो देवी फिर शेर को ऊपर चढ़ करके आई, एक तो दान लेने वाले फिर स्वयं ठाकुर जी, अगर ठाकुर जी इच्छा करेंगे तो सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन आज भगवान स्वयं मेरे पास में दान मांगने के लिए आए, मेरे जैसे कोई पुण्यात्मा हो सकते हैं? सामने वहीं पर बैठ जाओ माता, बैठ जाओ उधर, इसलिए मेरे से कोई सौभाग्यवान हो सकते हैं, आज तो मैं जरूर इनको दान दूंगा। इतने में श्री शुक्राचार्य बोले, हाँ ध्यान देकर सुना, शुक्राचार्य बोले, बोले देखो मैं तेरे गुरु हूँ, गुरु का बात को नहीं पालन करोगे? बोले नहीं गुरु जी, बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जा दूसरी भ्रष्ट हो जा। गुरु जी अभिशाप दे दिए, बोले कोई बात नहीं, श्री भ्रष्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को तो मैं जरूर दान दूंगा। इधर सुना, नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, क्या नियम है? गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु जी का अगर त्याग देते हो ना पाप लगता है, लेकिन आज बलि महाराज गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दिया? बोले देखो दो तीन परिस्थिति में आप गुरु जी को त्याग दे सकते हो। बोले पहला परिस्थिति क्या, अगर गुरु जी कोई असत संग में फंस गए, भक्ति मार्गों को उन्होंने छोड़ करके असत मार्ग में उन्होंने कहीं चले गए, पतित तो हो गए, पहला है। दूसरा है अगर गुरु जी भगवत भजन को परित्याग करते हैं, गुरुदेव भगवत भजन को अगर परित्याग करते हैं और अगर असत शिक्षा करते, गुरु जी का काम क्या है? बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरु में नमः। गुरु का काम है भगवान जो कण कण में व्याप्त है उनकी चरण को जो हमें दर्शन करा दे, उनकी चरण जो दर्शन कर देंगे गुरु का काम। लेकिन अगर गुरु जी स्वयं कहते भगवान को मत दिया करो, बोले कोई गुरु है? गुरु का काम तो ठाकुर का चरण दर्शन कराना, और गुरु जी कहते ठाकुर को मत दो, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। और देखो अगर गुरु जी वैष्णव लाइन में नहीं हो, शुद्ध भक्ति लाइन में अगर गुरु जी नहीं हो, शुद्ध वैष्णव परंपरा में अगर नहीं हो, फिर गुरु जी को त्याग देने से उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए श्री सुकरात बलि महाराज उन्होंने जब फिर संकल्प करने जा रहे थे, इतने फिर शुक्राचार्य जो
गंगा सागर है ना, उसमें नाल होता है, उसमें फिर बैठ गया, फिर उन्हें कुछ से छेद किया तो उसकी एक आंख ही चली गई। देखो नियम है, अगर कोई धर्म मार्ग में जा रहे हैं, कोई अच्छे कर्म कोई कर रहे हैं, देखो कभी भी उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उसमें टांग अड़ानी नहीं चाहिए, तक आप हमारी एक आंख चली जाएगी, अंधे बन जाओ। इसलिए सत मार्ग में जो जा रहे हैं, जैसे भागवत कथा हो रही है, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, भैया जितने हो सके तुम्हें मदद करो, अगर मदद नहीं करते हो, अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते हो, कभी किसकी बुराई मत करो, ये चीज को सीखो। अगर किसको बुराई करोगे तो अपना कभी भलाई हो ही नहीं सकते। अगर दूसरे के लिए गड्ढे खोदोगे ना, पहले गड्ढे में तो तेरे को उतरना पड़ेगा ना, फिर वो व्यक्ति गिरेगा। इसलिए कभी किसी के लिए गड्ढे मत खोदा करो, पहले तुम स्वयं गड्ढे में उतरोगे, फिर दूसरे व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा। इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने भाग गए, फिर उन्होंने संकल्प किया, ठाकुर जी एक पग में भूर भूव मोहजन तपसत लोक ले लिए, दूसरे पग में अतल बितल तलातल पाताल लोक ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं। बोले बलि बड़ा डीग आग्रह था, बोलो कहां पर चरण रखे। उन्होंने नाग खास बंधन में बांध दिए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी बड़ी अच्छी थी, रत्नमाला बड़ी अच्छी थी, विंध्यावली। बोले आप भगवान को क्या दिया, दुनिया भगवान की, भगवान दुनिया ले लिया, तुमने क्या दिया है, जब तक खुद को खुद नहीं देते हो। बोलो ना अपना सर पर रखे। बलि महाराज खुश हो गए, देखो बोले भैया पत्नी ऐसे होनी चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं, पति जब सुख में रहो, जो पैसा में हो, एक है धर्म पत्नी और एक है धन पत्नी। क्या पत्नी? एक है धर्म पत्नी और एक है धन पत्नी। मतलब जब धन रहे पति के पास रहे, जब धन खत्म फिर भाग जाए। इसलिए एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी, हमें धर्म पत्नी होनी चाहिए, हर समय पति को अच्छे मार्गों पर दिखानी चाहिए, तभी हम पत्नी हैं। इसलिए बोले भैया पत्नी अच्छी पत्नी, विपत्ति समय में मेरे को तुमने ज्ञान की बात बताई, भगवान को बोले सर को पर प्यार रखो, खुश हो गए। बोले ठाकुर जी ये बताओ, दान बड़ा ना दानी बड़ा। बोले दानी बड़ा। बोले दान तो लिए, अभी स्वयं दानी बाकी है। बोले कहाँ रखे। बोले मेरे सर पर रखो, भगवान चरण को सर पर रखे। सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए, पुष्पों की बौछार की और बलि महाराज का जयकार लगाए। बोले श्री बलि महाराज की जय, श्री बावन भगवान की जय, जय जय श्री राम। देखो आज भगवान आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, जैसे सुदामा दो मुठे चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। अभी भगवान को सभी कुछ कुछ ना भिक्षा देना ठाकुर जी को। बोले वामन भगवान की जय, जय श्री राम। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत हर दे जोड़ी, भगत हर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत हर दे भगत हर दे हर दे
तेरा जगत है सारा आए भोलिया की रसाई है तू देखी तेरा जगत है सारा एक बात ने आया तेरे घर जगत का पालन हर रे जगत का पालन मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझ जरा पैसा भगत घर दे ले भगत हरी दे मेरे प्यार खड़ा भगवान भगत भज दे रे सरबस अपना नाम कहता आज सरबस आज पर सरबस अपना नाम कहता तैयारी है कि नहीं हरे कृष्ण सुनीता दीदी अरे भगवान कृष्ण को तैयार किया कि नहीं तैयार किया
जब मैं बुलाऊंगा तब आना, ठीक है? बच्चे सब बैठ जा, बात नहीं करना, बच्चे सब बैठ जा, बच्चे बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस बच्चे को बैठा के, बच्चा किसके है? ए बच्चा बैठ जा, बोले श्री बामन भगवान की जय। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसुरजयो राज्ञाम चोभरवंशना चरितं परमाद्भुतं। कहते भागवत में दो वंशावली की कथा आती है, एक सूरज वंश और एक चंद्र वंश। यद्यपि ये दोनों वंश में बहुत राजा हुए हैं, लेकिन ये सबसे प्यारी कथा किसकी है? सबसे प्यारी कथा प्रभु राम की और भगवान श्री कृष्ण की। इनकी कथा जितने सुंदर है और किसी की कथा इतने सुंदर नहीं। भगवान भी बहुत आए, हरि अनंत हरि कथा अनंत है, लेकिन भगवान की कृष्ण राम कथा सबसे प्यारी और सबसे सुंदर कथा श्री कृष्ण राम की। अभी हम कृष्ण कथा सुनेंगे। पर देखो, कहते श्री तथ्य प्रजा श्री कश्यप जी की वंश में एक राजा हुए हैं, है, जिसका नाम था श्राद्ध दुमनु। इनके घर में सारे सुख है, लेकिन घर में कोई बालक नहीं, इसलिए राजा बड़े दुखी है। एक दिन उन्होंने श्री वशिष्ठ को बुलाए, बोले आप एक यज्ञ कराओ जिससे मेरे एक संतान हो। जब यज्ञ हो रही थी, राजा की मन में इच्छा घर में एक बेटा हो जो राज सिंहासन को संभाले, लेकिन रानी की इच्छा घर में एक बेटी हो। बोले क्यों? बोले बेटी होगी तो क्या होगी, माँ की सेवा करेगी, माँ को मदद करेगी। अभी जब ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, यानी कि जो पत्नी राजा की जो पत्नी थी, वो जा करके जो ब्राह्मणों को कान में बोले, देखो घर में अगर जो बेटी होगी ना, मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, अगर बेटा होगा ना, कोई दक्षिणा वगैरह हम नहीं मिलेगा, मैं तो कोई दक्षिणा नहीं दूंगी। अभी ब्राह्मण लोगों ने देखा, भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है। देखो पहले ये साइंस कितना एडवांस था, वो ऐसे मंत्र पढ़ करके खीर निकालते बनाते थे जिसमें खा करके बेटा हो और जिसको खा करके बेटी हो। उन्होंने किया क्या, बेटा का मंत्र तो बोले ही नहीं, उन्होंने बेटी की मंत्र बोल दी और रानी को खीर खिलाए तो बेटी हुई, जिसका नाम हुई एला। इतने में ही राजा ने वशिष्ठ के पास में गए, बोले महाराज मैं बोल रहा था घर में बेटा होनी चाहिए, ये बेटी कैसे हो गई? राजा ने कहा देखो घर में बेटी आई ना, दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में कौन आई, घर में लक्ष्मी आई है, अच्छी बात है बेटी आई है, दुखी क्यों हो रहे हो? बोले ये तो बात की बात है, लेकिन घर में तो हमें बेटा चाहिए। हरे कृष्णा, ए सामने जो बैठे हो, अभी फोटो लेने का जरूरत है, चुप बैठो यहाँ पर, अभी मैं तुम चुप बैठने तो पीछे भेज दूंगा तुमको, चुपचाप मुंह में हाथ लगाकर बैठ जाओ, बात नहीं करना, बात में फटो लेना। इसलिए इतने में देखो कितने मंत्र शक्ति थी। फिर वशिष्ठ ने किया क्या, जो बेटी थी ना, उन्होंने मंत्र से बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, जिसका नाम हो गया सुदुम्न। एक दिन सुदुम्न जब बड़ा हुआ, वो सन्या सामंत लेकर के जंगल में भ्रमण करने गया था। एक जंगल में पहुंचे तो जितने घोड़ा सब घोड़ी हो गए, जितने सैन्य सामंत सब लड़की हो गई, और जो सुदुम्न था ये हो गया लड़की हो गई, ये हो गई राजकुमारी बन गई। अभी तो सबके सब देखे हम लड़की, बोले भैया ऐसे कैसे हो गई? बोले वो जो जंगल था श्री शंकर जी की, एक दिन शंकर जी ये पार्वती से मिल रही थी। इतने में चतुसन ने शंकर जी को दर्शन करने के लिए पहुंचे तो शंकर पार्वती आपस में मिल रहे थे। मैया पार्वती तो एकदम लज्जित हो गई। शंकर जी को बोले ये कोई संसार थोड़ी है, ये कोई घर संसार है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठा करके आ जाए। शंकर जी अभिशाप दिए, आज से ये जंगल में जो प्रवेश करेगा पुरुष, वो पुरुष नहीं रहेगा, सब स्त्री बन जाएगी। इतने में श्री वशिष्ठ जी के पास में श्री राजा गए,
बोले मेरी फिर जो बेटा फिर बेटी बन गई। फिर शंकर जी को पास में गए, शंकर जी बोले देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक महीना तो तेरे बेटा बेटा रहेगा और दूसरी महीना में बेटी रहेगी, मैं इतना कर सकता हूँ। बोले इतना कर दो, जब बेटी की शादी हुई भूत को साथ में, जब उससे जो संतान हुई उसी से ये चंद्रवंश चला जिसमें भगवान कृष्ण आए। लेकिन जब वो बेटा था तब उसकी शादी हुई, उससे जो बच्चा हुआ उससे जो परंपरा चली उसी से श्री सूर्यवंश जिसमें भगवान राम आए। देखो एक व्यक्ति से दो वंश चला, एक चंद्रवंश एक सूर्यवंश, और दोनों वंश में हमारे जो ठाकुर जी कृष्ण और राम ये दोनों एक व्यक्ति से ही राम और कृष्ण हुए। बोले श्री कृष्ण बलराम की, बोले श्री श्यामर राम चंद्र की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कृष्ण कथा रहे हैं। बोले भैया जो कृष्ण कथा बड़ा मधुर है, इतने मधुर कृष्ण कथा मीठा ही मीठा। अभी प्रभु जी बोल रहे थे ना, अभी रसगुल्ला की जन्म होने वाले, अब रसगुल्ला जिधर खाओ ना उधर ही रसगुल्ला मिठाई मिठाई है। इसलिए श्री बल्भाचार्य एक सुंदर सुंदर अष्टक लिखा है, उसका नाम मधुरा अष्टक। मधुरा अष्टक मतलब क्या, भगवान का सब कुछ मधुर है। देखो वो अष्टक में क्या कहते हैं, बोले अधरंग माधुरम बदनंग माधुरम हसितंग माधुरम कहते हैं भगवान की सब मीठा, इनकी चलना मीठा बोलना मीठा देखना मीठा, इनकी सब मिठाई मीठा भगवान की। इसलिए जो भगवान की कथा में इतनी मीठा है, ठाकुर जी की कथा में कद अगर भैया कोई भव सागर से पार होना चाहते हैं, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो केवल भगवान की कथा सुनो। कथा सुनते सुनते देखोगे ये भव सागर पार होकर के तुम ठाकुर जी के चरण में पहुंच गए। बोले तीन गंगा है, एक आकाश में जिसका नाम मंदाकिनी, एक मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, एक पाताल में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती हैं, ये कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है, सुनने बोलने और प्रश्न करने वाले हैं। अभी श्री कंस ने इतने अत्याचार उसने मचा दिया, इतने टहलका मचा दी। बोले खबरदार मेरे देश में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, जो साधु संघ मेरी कीर्तन करेगा मेरे देश में जेल में बंद कर दो। सारे संतों को उसने जेल में बंद कर दिया और संत लोग जेल में बैठ बैठ करके ठाकुर जी को पुकार रहे थे, हे तारनहार हे भक्तवत्सल तू कब आकर के हमें उद्धार करोगे। अगर सच दिल से प्रभु को पुकारना उसका आवाज प्रभु के पास में पहुंचता है। अभी ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, क्यों, ये कंस की अत्याचार से। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी शंकर फिर इंद्र ये सब के सब देवता खीर समुद्र के पास में गए और पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान की आह्वान की। आकाशवाणी हुई, देवताओं चिंता मत करो, तुम सबके सब जदुवंश में देवता रूप में जन्म ग्रहण करो। हे देवियां सब के सब गोपी बन कर गोकुल में जन्म ग्रहण करो। अभी श्री वसुदेव ने वसुदेव के साथ में देवकी को कंस शादी किया, बहुत कुछ दहे के रूप में दिया। जब विदा दे रहा था आकाशवाणी हुई, रे मूढ़ कंस
जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरी काल बनेगा। वसुदेव महाराज ने देखा ये देववाणी ये कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। पकड़ा केस को देवकी की, तलवार उठाए मारने के लिए। इतने में वसुदेव ने साम दाम दंड और भेद नीति से बहुत समझाया। बोले देख अपना बहिनी को मारोगे ना दुनिया तेरी निंदा करेगी, ये जीवन रहना नहीं रहना बराबर। बोले आकाशवाणी सुनी नहीं, बोले मैंने में सुना, बताओ एक दिन मरोगे कि नहीं? कौन मरता, ये शरीर ही मरती है, ये आत्मा तो नित्य शाश्वत है, न जायते न मृियते और जो नित्य है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेगंति अपनैन शोचति मारुत। ये आत्मा मरती जलती नहीं, ये शाश्वत है, ये केवल शरीर ही बदलती है। तब भी मारना चाह रहा है, बोले देख तेरे को पता के भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने बच्चे सब दे दूंगा तेरे को, बच्चे को मार देना लेकिन देवकी को मत मारो, ठाकुर को इच्छा छोड़ दी। पहला बेटा उन्होंने ला करके दे दिया। ये जितने जंतुवंशी कोई नहीं देवता, ये जितने गोपी कोई नहीं, सबके सब देवी है, ये सबके सब मारने के लिए तुमको षडयंत्र करके आए। और उन्होंने कमल फूल लाए थे जिसमें आठ पंखुड़ियां थी, मतलब बोला था कि इसमें पहला नंबर कौन आठवां नंबर कौन। कंस ने बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बोले उल्टा से गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। बोले गुरु जी क्या बोलना चाह रहे हो, बोले तेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले देख देवता का बात समझना बड़ा कठिन है, तुम तो इधर से एक दो कर रहे हो, अगर वो उल्टा से एक दो करेंगे तो जिस एक बच्चा अभी सामने नहीं आना, अगर से उल्टा से गिने तो फिर क्या होगा, जिसको तू एक कर रहे हो ना वो हो जाएगा आठ। जब एक एक भाई बड़े होएंगे आठ भाई बनेंगे, सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी, गुरु जी के बगैर तो ज्ञान होता ही नहीं, गुरु जी सबको मार दूं। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरे बात जानता, भड़का दिया। और नारद जी भाग गए और कंस ने एक एक करके उन्होंने छह बच्चों को मार डाले। बोले भैया छह बच्चे को मारे क्यों, देखो इसका रहस्य समझो, भगवान अष्टम गर्भ में आते हैं, भगवान अष्टम गर्भ में क्यों आए, ये छह बच्चे को क्यों मारे। बोले अगर कोई हृदय में भगवान को बैठना चाहते हो, हमारा सबसे बड़े शत्रु छह है। कितने शत्रु हैं, छह। कौन कौन शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सबसे बड़े शत्रु है जो हमारे अंदर में बैठे हुए। पहले ये छह शत्रु को मारो, खत्म करो, उसको बाद में बलदेव प्रभु आएंगे। बोले बलदेव प्रभु कौन है, बोले धाम स्वरूप है, जो भगवान को अपना हृदय में धारण करते हैं। कहते ये श्री बलदेव प्रभु है, कहते अष्टम गर्भ में बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आएंगे। इसलिए बोले कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए, छह में सात में क्यों नहीं आए। देखो ध्यान देकर सुनो, कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए, कल अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहते हो, भक्ति का जो सबसे पहला जो सोपान है श्रद्धा है। जैसे आप सभी के हृदय में श्रद्धा है तभी यहाँ पर कथा सुनते हैं। बोले दूसरा जो स्टेज है साधु संग, श्रद्धा है तभी आए, तब संतों का संग कर रहे कथा सुन रहे हो। बोले तीसरा स्टेज किया, बोले भजन किया, मतलब किया, जब साधु संग करोगे फिर पता चलेगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये दुनिया किया कहाँ जाना, सबके सब कहाँ गए हैं, पहले ये ज्ञान होगा। उसको बाद में क्या होगा, जब हमें पता चलेगी हम कौन हैं, हम भगवान की संतान हैं, सबके सब ठाकुर जी के बच्चे हैं, ये संसार में फिर दुख क्यों भोग कर रहे हैं, चूंकि हमने भगवान को भूल गया, भूलने का नाते माया ने ये संसार रूपी कारागार में हमें डाल दिया। फिर मुक्त कैसे बनेंगे, बोले भगवान की भजन करो, फिर भगवान की भजन करेंगे। ये तीसरा, चौथा स्टेज में जब भक्ति करेंगे, हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह जो अनर्थ जो अपराध खत्म होगा,
फिर पंचमा स्टेज में रुचि। रुचि मतलब क्या है? फिर भगवान की भजन हमें अच्छी लगेगी। अभी काम क्रोध लोभ है इसलिए प्रभु की भजन हमें अच्छी नहीं लगती है। एक माता जी बोल रही थी, बोले बाबा माला लेते ही भीड़ आ जाती है, लेकिन इधर उधर को बात बोलो ना फिर कान खड़ी हो जाती है, फिर नींद नहीं आती। और माला लेते ही पता नहीं, हमारे प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी गए थे कथा करने के लिए राजस्थान। राजस्थान कथा करने के लिए गए थे, माता जी आई, बोले बाबा क्या बताऊं, बोले बोलो, बोले क्या बताऊं, बोले बोलो ना, बोले बाबा मेरे को नींद लाने के लिए 10-10 गोली खाना पड़ती है, लेकिन तुम्हारी कथा इतनी मीठी कथा होते ही अपने आप मेरे को नींद आ जाती है। इसलिए देखना कुछ कुछ माताओं को भगवान की भजन करना नींद आती है, लेकिन प्रभु की कथा और है अगर दुनिया की बात हो ना कान भरे हमारी खड़ी हो जाती है। इसलिए जब प्रभु की भजन में रुचि लगने लग जाएगी फिर कथा में नींद नहीं आएगी। भजन कर तो इच्छा करेगा और थोड़ा भजन करे, और थोड़ा भजन करे, और थोड़ा भजन करे। देखो ध्यान देकर सुनो, आप लोगों ने मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री खाए हो हाथ उठाओ तो। आप लोग को बताओ मिश्री मीठी ना कड़वी है? बोला मिश्री मीठी ना कड़वी है? बोला मिश्री मीठा ना कड़वा है? मीठा है ना, लेकिन ये मिश्री किस किस को कड़वा भी लगता है? जानते हो किसको कड़वा लगता है? बोले जिसको जंडिस का बीमारी, पीलिया बीमारी हो जाए, देखना जो कुछ खाए उसको कड़वी कड़वी लगेगी। लेकिन पहले कोई दवा नहीं होता था, पहले जो डॉक्टर बोलते थे भैया मिश्री चूसना, मिश्री चूसते चूसते मिश्री तुम्हें अभी मीठा नहीं लगेगी, क्यों? अभी तुमको बुखार जंडिस का बीमारी है, सब तुमको लगेगी कड़वी कड़वी, लेकिन मिश्री चूसते चूसते जब ये कड़वा खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, फिर मिश्री बड़ी मीठी लगेगी। उसी तरह भगवान का नाम सबसे मीठा है, इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन अभी प्रभु का भजन, प्रभु का नाम है मीठा नहीं लगता है, क्यों? अभी पाप है। फिर क्या करनी चाहिए? बोले भैया मिश्री मीठा नहीं लगने पर भी, नाम अच्छे नहीं लगने पर भी जप करो, नाम छोड़ना नहीं, लेकिन नाम जप करते करते जब सारे अपराध सारे पाप दूर हो जाएगी, देखना भगवान के नाम बड़ी मीठी लगने लग जाएगी। फिर तो दुनिया छूट जाएगा लेकिन प्रभु का नाम नहीं छूटेगी। उसको बाद में जो छठवां स्टेज है निष्ठा, बोले निष्ठा मतलब क्या है? फिर भजन में इतने पक्की हो जाओगे फिर दुनिया छूट जाए प्रभु का भजन नहीं छूटेगा। जैसे मीरा जो भजन कर रही थी सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, पति जेठ देवर सब, लेकिन मीरा दुनिया को छोड़ दी लेकिन प्रभु का भजन उसने नहीं छोड़े। सप्तम स्टेज में भाव और अष्टम स्टेज में प्रेम साक्षात कृष्ण दर्शन, बोले श्री कृष्ण के नैया आला। इसलिए अभी भगवान कृष्ण आने वाले, अभी मात देव की गर्भवती, सारे देवता आकाश मार्ग में सबके सब गर्भस्तुति कर रहे थे भगवान को, सबके साथ पुकार रहे थे भगवान को। देखो अभी कृष्ण जन्म होने वाले, कल है ना राधा रानी जन्म लेगी, कल कौन राधा जन्म लेगी? आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? पीला रंग की। कल है सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आए, लेकिन आज देख रहा कोई कोई गुलाबी रंग भी पहन करके आए। कल राधा रानी जन्म लेगी, कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहना, क्यों? राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है ना गुलाबी रंग है, हैं? ये जो गुलाबी रंग है ये अनुराग का रंग है, जैसे होली खेलते है ना कृष्ण राधा, राधा कृष्ण को ऊपर फेंकते हैं, ये गुलाल किया अनुराग प्रेम, दोनों दोनों का अपना प्रेम में भिगा देती है। इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहनना, कल श्री राधा रानी की, कल राधा रानी जन्म लेने वाले। और देखो 26 तारीख को 24 तारीख को श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है। पिछली बार जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ निकाले थे, बड़ी धूमधाम से श्री जगन्नाथ की रथ निकला था, हम लोग 24 तारीख को भी बड़े धूमधाम से अच्छे अच्छे कीर्तन भजन बोलने वालों को हम बुलाएंगे, और पूरा तुम्हारी गांव में जगन्नाथ जी की कीर्तन, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। जगन्नाथ जी की आंख देखे हो कितने, इतने बड़े बड़े आंख है, इनकी पलक नहीं झपती है, इनकी आंख जितने दूर तक पड़ती है उतना दूर तक सारे दुख कष्ट दूर हो जाती है। रथ के ऊपर में एक बार जगन्नाथ जी को दर्शन करना कहते फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। जगन्नाथ की रथ यात्रा की बड़ी महत्व है, जिस गाँव में जगन्नाथ की रथ यात्रा होना
उसी गांव से दुर्भिक्ष दुख कष्ट ये सब के सब दूर हो जाती हैं उसी गांव में, जिस गांव में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। अभी भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करके सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान जब जन्म हुए हैं उसी समय में कद आकाश में काला मेघ छा गया, रिमझिम बारिश हो रही थी और ये यमुना कलकल कलकल नाद से यमुना बह रही थी और भगवान की जयकार दे रही थी। बोले श्री कृष्ण का नहीं आला कोई जयकार नहीं दे रहे हैं, भगवान जन्म ले रहे हैं आपका आनंद नहीं आ रहा है। अरे इतने जोर से जयकार करो जो छत उड़ जाए, इसलिए जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण का नहीं आला लेकिन कम से कम आली गांव में तो पता चले कथा हो रही है। अभी जो जो भक्त लोग नहीं आए, अभी भी जो जो माताएं कथाएं नहीं आए, इतने जोर से जयकार तो जैसे उनको काम तक पहुंचे वो भी कल से कथा में आए। इसलिए अभी सारे देवता लोग जय जयकार कर रही, यमुना नदी जय जयकार कर रही है। बोले क्यों? बोले कृष्ण मुझे अपना पटरानी बनाएगी और वृंदावन धाम तो एक सुंदर दुल्हन की भांति सज गई। क्यों? बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर से, भगवान कंदर कंदर में भगवान कुंज कुंज में लीला करेंगे और जितने नदियां थी वो भी प्रसन्न हो रही। बोले क्यों? बोले सबसे जो बड़ी नदी बड़ी बहनी श्री यमुना, यमुना को साथ में कृष्ण की शादी होगी और उनकी जो छोटी छोटी नदियां भगवान की साली बन जाएगी। इसलिए देखना दामाद कभी कभी पत्नी से साली को ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए बोले हमें भी कृष्ण प्रेम करेंगे। सारे नदियां प्रसन्न हो रही थी, कमल फूल खिल रहा था, जूही बेली चमेली सब के सब फूल खिल रहा था और भगवान ठीक उसी समय पर देवकी वसुदेव को अवलंबन करते हुए कारागार में भगवान कृष्ण जन्म हुए। उनको पीछे से ले आओ, उनको पीछे सबको पीछे ले जाओ। और वो जो बच्चे कुछ सजगर का आए थे ना जो भक्त लोग, अभी जो बच्चे लोग नाच उनको भी सबको ले आना जाओ, सबको पीछे ले जाओ और पीछे से यहाँ थोड़ी सी रास्ता कर दो, थोड़ी सी बीच में रास्ता खाली कर दो। भगवान आने वाले, अगर आपके पास में फूल हो ना, थोड़ी सी ठाकुर जी को थोड़ी सी फूल से ठाकुर के ऊपर भी बौछार करना। फूल है पास में? फूल नहीं है, ये बीच में थोड़ी सी रास्ता बना दो और इनको ले जाओ पीछे और पीछे से सबको लेकर के आओ। अभी ठाकुर जी को स्वागत कर रहे हैं, आप भी सबके सब हमारे साथ में ठाकुर जी को स्वागत करो। बोलो तो हरे कृष्णा सुना। इधर देखो, कल हम बता रहे थे ना, इधर मेरे तरफ में देखो, ये कथा को बाद में जो यंग यंग बच्चे हैं, जो बच्चे हैं इनके लिए आधा घंटा क्लास होगी। हमारे श्री रोहिणी प्रभु जी यहाँ पर आधा घंटा क्लास देंगे। जितने बच्चे हैं ना सबके सब बैठना, कोई जाना नहीं। कथा के बाद में भी थोड़ी आधा घंटा क्लास सुन करके सबके सब जाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो मंदिर के लाला की, जय जय राम। देखो सुना कर, हरे कृष्ण। आज है कुछ प्रसाद की व्यवस्था कुछ भक्त लोगों ने किया है। कहते श्री रमेश गर्ग जी, सुनीता माता जी और श्री ब्रह्मा क्या नाम है विराम प्रभु जी, और इसको ने से क्या है, इसको ने से क्या है नाम लिखा। हाँ, इसलिए आज इन लोगों ने भगवान की आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था किया है। और सुनीता दीदी की जो बेटा है आज उनकी जन्म तिथि है, इसलिए उन्होंने केक सभी के लिए फ्रूटी की व्यवस्था किए है। आप इनके लिए थोड़ा ताली बजाओ जोरदार, थोड़ी सी जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी इनको जीवन में शांति सुख दे और ये खूब फलते फूलते रहे और भगवान की भक्ति कर सके सब। बोलो नंद के सभी लोग ताली बजाकर भगवान का स्वागत करेंगे। हरे स्वागत 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 स्व